हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए आप लोगों की भारी डिमांड के कारण हम उम्मीद श्रृंखला के अंतर्गत आपको जो एक श्रृंखला है पार्ट वाइज, हमने वहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं। 5 पार्ट में हमने वहाँ पर लगभग 49 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, उन 49 क्वेश्चंस को एक साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने वो श्रृंखला देखी है तो अब इस वीडियो के माध्यम से उस पूरी श्रृंखला को आप रिकॉल कर सकते हैं। एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आप अपने सेक्शन ए, जो कि 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और लगभग आपके 14 मार्क्स का वेटेज आपको प्रोवाइड कराता है आपके एग्जाम पेपर में, तो वो आप लाभ उठा सकते हैं और वो 14 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं इस पूरी वीडियो को देखकर, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में। ठीक है, तो आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2 मार्क्स इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए हैं, जैसा कि मैंने उस टाइम पर जब सीरीज को पार्ट वाइज मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिए हैं वो लगभग पिछले 6 से 7 क्वेश्चंस पेपर को उठाया, वहाँ से हमने क्वेश्चंस उठाए जो 2 मार्क्स में पूछे गए हैं और उनका एक ईजी लैंग्वेज में मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो हम कुछ पहले क्वेश्चंस में अपने जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा डीपली उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एंड ऑफ द हम पॉइंट टू पॉइंट जितना वहां से पूछा गया है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और आई होप जब आप एंड ऑफ द क्वेश्चन 49 पर पहुंचेंगे तो बहुत ही आपको एक कहते हैं ना, उम्मीद आपके अंदर जगेगी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को लेकर और आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, इसकी मेरी गारंटी है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हर एक कोने तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे लाभ उठा सकें। अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप शेयर कर दें, चाहे आप व्हाट्सएप चलाते हों, चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हों, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हों, चाहे आप टेलीग्राम यूज़ करते हों, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको ये वीडियो शेयर करना है। और अपने कॉलेज लेवल के जो ग्रुप हैं उनमें भी आपको वीडियो को हर जगह पहुंचा देना है, जिससे कि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के एग्जाम में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वो दे सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बीच में आपको डिफरेंस यहां पर बताना है। तो जनरली अगर मैं बताता हूं तो आइडियल मीन्स होता है जिस चीज को हम मानकर प्रैक्टिकल करते हैं कि हाँ ये वैल्यू हमको लेकर आनी है, वो आइडियल होता है। जैसे आप अपनी लाइफ में बोलते हैं ना कि मेरे लिए आइडियल पर्सन है, दैट मीन्स आप उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, तो वही चीज होती है आइडियल मीन्स परफेक्ट। एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका काम है वोल्टेज प्रोवाइड कराना, तो वो कंप्लीटली वोल्टेज प्रोवाइड कराए विदाउट एनी ड्रॉप ऑफ द वोल्टेज इन द सर्किट, वो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। ठीक है, वहीं पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वो हो जाएगा जो आपका जब सर्किट में हम उसको यूज कर रहे हैं तो कंप्लीटली अपनी सर्विस नहीं दे पा रहा है, कंप्लीटली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, वो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। अब इसको आप एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज ये आपको प्रोवाइड कराता है, दैट मीन्स मेंटेन ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ द लोड करंट, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोड करंट क्या है, है ना, लोड करंट कुछ भी हो वो कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखता है। और ये कांस्टेंट वोल्टेज तभी मेंटेन रहेगी जब 0 इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पास होगा, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस है इंटरनल वो 0 होना चाहिए, तभी वो एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन कर पाता है। जैसे नो इंटरनल रेजिस्टेंस इंप्लाइनिंग नो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सोर्स, मतलब सोर्स के अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस के कारण ही वोल्टेज का ड्रॉप या करंट ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में। अब अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वेरिएबल वोल्टेज आपको देखने को मिलती है। वेरिएबल वोल्टेज मतलब वोल्टेज आउटपुट डिक्रीज स्लाइटली एज द लोड करंट इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे लोड करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होगा।
या फिर करंट डिक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा, दैट मींस वेरिएबल वोल्टेज आपको प्रोवाइड कराता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर जीरो नहीं होता है, हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस उस वोल्टेज सोर्स का होता है, दैट्स मीन्स कॉजिंग ए वोल्टेज ड्रॉप विद इन द सोर्स व्हेन द करंट फ्लो। मतलब जब किसी सोर्स में करंट फ्लो हो रहा है तो ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस था बिटवीन द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल की इस सीरीज में आपको कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं और मैटर भी आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, सीरीज कैसी आपको लगेगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल, यानी कि पहली यूनिट में ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होकर बार बार पूछा जाता है। तो जैसे यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स के बारे में पूछा है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इन सब एलिमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, मतलब बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना है और कुछ एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बतानी है। तो अगर मैं यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स की बात करता हूँ, तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स एक्चुअली वो एलिमेंट्स होते हैं जो करंट फ्लो को अलाउ करते हैं केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में, वहीं पर बायलेटरल जो दोनों डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। वहीं पर एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को सर्किट में, और पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एनर्जी को सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते, वो केवल और केवल एनर्जी को स्टोर करते हैं या डिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अगर मैं यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स की बात करता हूँ, तो यूनिलेटरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करें, वो आपके यूनिलेटरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि डायोड, आपने डायोड पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यानी कि वहां पर आपके डायोड में जो करंट फ्लो होती है वो एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो देखने को मिलता है, तो वो आपका यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाता है। बायलेटरल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट इन बोथ डायरेक्शन, जैसे कि रजिस्टर होता है, यानी कि जो रजिस्टर है उसमें अगर आप करंट फ्लो कराएं तो सोर्स अगर आपने इस तरीके से लगाया है तो करंट इधर भी फ्लो हो सकता है, अगर सोर्स आपने इस तरीके से लगाया है तो करंट इधर की डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो देखने को मिल जाएगा। वहीं पर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं कैन इंट्रोड्यूस एनर्जी इनटू द सर्किट, जो सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, जैसे बैटरी हो गई, ट्रांजिस्टर हो गया, तो दीज आर द एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और पैसिव एलिमेंट्स की बात करूं तो ये आपके एनर्जी को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, मतलब सप्लाई नहीं देते हैं, बट स्टोर करते हैं या डिसिपेट करते हैं एनर्जी। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, रजिस्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटर एनर्जी को डिसिपेट करता है, मतलब एनर्जी हीट की फॉर्म में निकालता है। ठीक है, और कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है, तो ये कैसे सोर्सेज हो गए, पैसिव एलिमेंट्स हो गए हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ड्राइव कीजिए एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय ए प्योर इंडक्टर इज जीरो। ये हमें ड्राइव करके दिखाना है कि कंडक्टिव जो मतलब प्योर इंडक्टर जो है वो एवरेज पावर कंज्यूम करता है वो जीरो होती है। ठीक है, बेसिकली आगे भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको दो तरीके से करेंगे, पहले आज हम इसको ड्राइव करके कर लेते हैं और अगर वो एक्सप्लेन कराता है या इसका रीजन पूछता है कि क्यों एवरेज पावर कंज्यूम करता है प्योर इंडक्टर जीरो, तो वो हम फिर वहां पर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में उसको करेंगे। यहां पर उसने ड्राइव कराया है, देखिए एक क्वेश्चन आपको दो तीन तरीके से देखने को मिलेगा, एक तो ड्राइव करा लेगा, फिर डिस्क्राइब करा लेगा, फिर आपसे रीजन भी पूछ सकता है, और एक आपको ग्राफ के हेल्प से भी बताना पड़ेगा प्योर इंडक्टर की जो पावर कंजप्शन होती है एवरेज वो जीरो होती है। तो इन तीन चार तरीके से पूछ एक ही चीज रहा है, लेकिन घुमा फिरा कर आपसे चीजें पूछी जा रही है। तो ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई करंट है आई टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने मान लिया कि एक प्योर इंडक्टर सर्किट है जिसमें हमने प्योर इंडक्टर है, तो यानी कि एक इंडक्टर एल लगाया हुआ है, वहां पर जो करंट हमने अप्लाई किया हुआ है या करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है वो आई टी इक्वल्स टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम यहाँ से जो वोल्टेज है वो अगर हम निकालें तो वो क्या होती है, वी टी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो दैट मीन्स द वोल्टेज वी टी इज गिवन बाई एल डी आई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर हम आई टी की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर देते हैं, तो वी गेट वी टी इक्वल्स टू एल डी अपॉन डी टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने वैल्यू पुट की और फिर इसका डिफरेंशिएट किया तो आई नॉट तो आपका कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, तो एल आई नॉट हो गया, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का आप करेंगे तो वो ओमेगा भी आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। वी टी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। तो चूंकि हम पावर कंज्यूम्ड की बात कर रहे हैं और पावर क्या होता है, वी पी इक्वल्स टू वी आई होता है। ठीक है, अब आपके पास V की वैल्यू भी है, आपके पास I की भी वैल्यू है, तो पावर हम यहाँ पर निकालेंगे तो द इंस्टेंटेनियस पावर PT इज PT इक्वल्स टू VT इंटू IT। ठीक है, VT इंटू IT यहाँ पर होता है, दोनों की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ वी गेट PT इक्वल्स टू VT हमें मिला है L I नॉट ओमेगा cos ओमेगा T, और I नॉट मिला है IT मिला है I नॉट sin ओमेगा T। दोनों वैल्यूज जब आपने रखी तो यू गेट L I नॉट स्क्वायर ओमेगा sin ओमेगा T एंड cos ओमेगा T। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि आप इंडक्टर में जो पावर कंज्यूम हो रही है वो किस तरीके से आप निकाल रहे हैं। यहां पर एवरेज पावर हमें कैलकुलेट करनी है, तो पावर हमें पता चल गया V इंटू आई होता है, V की वैल्यू भी हमने रख दी, I की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, तो हमें पावर यहां से मिल जाती है। ठीक, आगे हम देखते हैं, यहां पर ये एक आइडेंटिटी आ रही है cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लुक्स लाइक दैट कि cos ओमेगा टी इंटू sin ओमेगा टी इक्वल्स टू होता है हाफ sin 2 ओमेगा टी के, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से, देन यू गेट PT इक्वल्स टू L I नॉट स्क्वायर ओमेगा 1/2 साइन 2 ओमेगा T। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को रख लेंगे और इसको अरेंज करेंगे, देन यू गेट 1/2 L I नॉट स्क्वायर ओमेगा साइन 2 ओमेगा T। ये आपके पास पावर PT की वैल्यू आ जाती है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बात करते हैं। तो एवरेज पावर वन फुल साइकिल के लिए क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ द PT ओवर ए पीरियड, मतलब जो हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं जो कि प्योर इंडक्टर कंज्यूम कर रहा है वो क्या होगी, एक फुल साइकिल के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर, वो क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ पीटी होगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो इसका मतलब है कि पी एवरेज इक्वल्स टू 1/T 0 से T और पीटी डीटी, यहाँ पर ये हो जाएगा पी एवरेज जब हम फुल साइकिल की बात करते हैं। तो अब हम इस पीटी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1/2 L I नॉट स्क्वायर ओमेगा साइन 2 ओमेगा T आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। सिंस साइन 2 ओमेगा T इज एन ऑस्किलेटिंग फंक्शन विद 0 एवरेज वैल्यू ओवर द वन पीरियड, मतलब जब एक कंप्लीट पीरियड होता है तो इस ऑस्किलेटिंग फंक्शन की जो वैल्यू है साइन 2 ओमेगा T की, वो एवरेज वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो जब ये एवरेज वैल्यू 0 है और हम पी एवरेज ही यहां पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसकी जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा एक पीरियड के लिए, यानी कि 0 से टी के लिए। तो जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो दैट मींस जो पी एवरेज होगा इट विल बी बिकम 0। तो यहीं पर हम देखते हैं आगे, तो देयरफॉर द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द प्योर इंडक्टर इज पी एवरेज इक्वल्स टू 1/T और ये टर्म पूरी हो गई है 0, तो इट्स बिकम 0। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो एवरेज पावर कंज्यूम हो रही है प्योर इंडक्टर में वो 0 होती है। यही आपसे ड्राइव कराया था, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ड्राइव करके दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेन करने की वजह से आपका को लग रहा होगा कि टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ है, लेकिन अगर आप इसको करने बैठेंगे तो विद इन 4 to 5 मिनट्स आप इसको कर देंगे पूरे डेरिवेशन को। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। इन ए सीरीज RLC सर्किट, आर दिया हुआ है आपको 2 ओम, एल दिया हुआ है 2 मिली हेनरी और सी दिया हुआ है 10 माइक्रो फैरेड। तो क्या पूछा है, फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी है और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू 1/2π और स्क्वायर रूट में LC, है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। वहीं पर क्वालिटी फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वालिटी फैक्टर को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं और क्यू की वैल्यू होती है 1/R स्क्वायर रूट ऑफ L/C, क्योंकि हम RLC सर्किट की बात यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है, तो 1 by 1 करके हम सारी वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो वैल्यूज हमें गिवन है R, L और C। तो वी नो दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ नॉट से इंडिकेट करते हैं फॉर RLC सर्किट इज गिवन बाई 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ LC। आपके पास L की भी वैल्यू है, C की भी वैल्यू है, बस आप इसको यूनिट में चेंज कर लेंगे SI। ये मिली हेनरी में दिया हुआ है तो आप इसको हेनरी में चेंज कर लेंगे 2 × 10⁻³। और फिर ये माइक्रो फैरड में दिया हुआ है तो आप इसको फैरड में चेंज कर लेंगे। दोनों वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, आप इसको अपने आप से कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके देखेंगे तो यू गेट एफ नॉट इक्वल्स टू 11.26 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 1126 हर्ट्ज। क्लियर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1.126
टू 6 किलो हर्ट्स, तो ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/R√LC। आपके पास सारी वैल्यूज है, आर भी है, एल भी है और सी भी है, सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे देन फाइनली यू गेट क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू 7.07। कैलकुलेटर से आप अपने आप से खुद कैलकुलेट जरूर करके देखिए वैल्यू, हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ हो। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे सीरीज RLC सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या क्वालिटी फैक्टर पूछता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इन विच ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.4 एम्पियर पर सेकेंड देन रिप्रेजेंट ए पावर फ्लो ऑफ 0.4 वॉट। तो पहले यहाँ पर क्या पूछा है कि फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एल की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो गिवन दैट कि करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.2 एम्पियर, फिर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द करंट यानी कि DI/DT, समय के साथ जो करंट इंक्रीज हो रहा है वो है 0.4 एम्पियर पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड 0.4 एम्पियर का इंक्रीमेंट हो रहा है करंट में। देन जो पावर है वो 0.4 वॉट है और एल की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है। हो गई होंगी जो जो वैल्यू यहां पर दी हुई है। तो जो पावर होती है, जो पावर स्टोर हो रही है इंडक्टर में, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो किस तरीके से हम लिखेंगे, वो होती है अभी हमने लिखा था हाफ, अगर मैं लिखूं यहां पर हाफ एल DI/DT का होल स्क्वायर, जो पावर स्टोर होती है इंडक्टर में, है ना, तो वो यहां से हो जाएगी। और अगर मैं इसको और लिखूं फर्दर तो ये हो जाएगा आपका LI DI/DT, इस तरीके से होगा। अभी इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, द पावर P स्टोर इन एन इंडक्टर इज गिवन बाई हाफ ऑफ LI/DT का स्क्वायर, लेकिन पावर जो फ्लो है वो रिप्रेजेंट करती है रेट एट विच द एनर्जी इन इज बीइंग सप्लाई टू द इंडक्टर। जो पावर का फ्लो है वो ये रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ पर पावर फ्लो दिया हुआ है बेटा, है ना, तो जो पावर का फ्लो है वो रिप्रेजेंट करती है कि कितना एनर्जी सप्लाई हो रही है इंडक्टर को, तो वो हो जाएगा LI DI/DT। समझ गए यहाँ से कि पावर जो स्टोर होती है वो तो ये है, लेकिन कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है या कितना एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो पावर फ्लो कहलाता है, दैट्स द LI DI/DT। ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जो जो वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पर, देन पी की वैल्यू 0.4 है, एल आपसे पूछा है, आई की वैल्यू 0.2 है और चेंज इन करंट यानी कि करंट जो इंक्रीज हो रही है वो 0.4 फैक्टर के साथ इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा L5 हेनरी। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंडक्टर की वैल्यू मिल जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि L की वैल्यू कैसे यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल वे में मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस आराम से इस वीडियो को 1x1 करके आराम से देखते जाना है। ठीक है, चलिए किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हैं। आगे पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्लिप रिंग्स इन द 3-फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि 3-फेज इंडक्शन मोटर्स में स्लिप यूज की जाती है, स्लिप रिंग्स यूज की जाती है, तो उनका बेसिकली क्या फंक्शन होता है 3-फेज इंडक्शन मोटर में, वो यहाँ से पूछा है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो एक फंक्शन होता है कि रिड्यूस करते हैं स्टार्टिंग करंट को, जो स्टार्टिंग करंट इंडक्शन मोटर में फ्लो होता है उसको कहीं ना कहीं ये स्लिप रिंग्स रिड्यूस करने का काम करती है। दूसरा, स्मूथ एक्सेलरेशन बनाती है, इनेबल करती है स्मूथ एक्सेलरेशन, इन रिंग्स की हेल्प से जो एक्सेलरेशन है वो स्मूथ तरीके से होता है, और ये बेसिकली कंट्रोल करती हैं स्टार्टिंग टॉर्क को और स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द मोटर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे यहाँ पर फंक्शंस के रूप में पूछे गए हैं स्लिप रिंग के। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, स्लिप रिंग इन 3-फेज इंडक्शन मोटर, सबसे पहले आप लिखेंगे कनेक्ट एक्सटर्नल रजिस्टर टू द रोटर वाइंडिंग, मतलब ये क्या करती है कि कनेक्ट करती है एक्सटर्नल रजिस्टर को रोटर वाइंडिंग से। दूसरा, अलाउ करती है टू कंट्रोल द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर, यानी कि ये कंट्रोल करने का काम करती है जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का या स्टार्टिंग स्पीड जो होती है, उससे क्या करती है रिड्यूस करती है स्टार्टिंग करंट को। जब ये टॉर्क और स्पीड को कंट्रोल करेगी तो वहां से क्या होगा, रिड्यूस होगा स्टार्टिंग करंट। ठीक है, और फिर इनेबल हो जाएगा स्मूथ एक्सेलरेशन, मतलब इस टॉर्क को उसने कंट्रोल कर लिया, स्पीड को स्टार्टिंग कंट्रोल कर लिया, तो जो एक्सेलरेशन है वो स्मूथ तरीके से हो पाएगा। ठीक है, और आगे फैसिलिटेट स्पीड कंट्रोल बाई वेरिंग द रोटर रजिस्टेंस, मतलब रोटर रजिस्टेंस को वेरी कराकर ये फैसिलेट करती है स्पीड ऑफ द मोटर को।
ठीक है। आई होप ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं इन फंक्शंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि स्लिप रिंग्स प्रोवाइड ए वे टू मॉडिफाई रोटर सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब रोटर सर्किट जो मोटर है उसके सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करने का काम करती हैं स्लिप रिंग्स, है ना, एनहेंसिंग मोटर परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द स्टार्टअप एंड ऑपरेशन। और इससे क्या होता है, इससे एनहेंस होता है मोटर का परफॉर्मेंस और कंट्रोल होता है पूरा स्टार्टअप या ऑपरेशन जो मोटर का परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मतलब जब हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं तो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम फेस होती हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। मतलब इलेक्ट्रिकली अगर हम कोई इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं कहीं पर भी, ऑफिस में, घर पर, कहीं पर भी, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको बतानी है, लेकिन उसमें से 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 या 5 आप कोई से भी मेंशन कर सकते हैं। जनरली अगर आप नॉर्मली देखते हैं घरों में जब इलेक्ट्रिक काम होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, जैसे इनप्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं हो पाती है ना, वो एक प्रॉब्लम है। नॉर्मल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम की यहाँ पर बात हो रही है, ओवरलोडेड सर्किट ड्रॉ हो जाता है, इनकरेक्ट वायर साइजिंग होती है, मतलब जो वायर की साइज होती है वो इनकरेक्ट तरीके से होती है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे आउटलेटेड वायरिंग जो होती है वो सही नहीं हो पाती है ना, इनसफिशियंट आउटलेट्स दिए जाते हैं, मतलब जैसे हमें रूम में 5-6 प्लग्स की जरूरत थी लेकिन 1-2 ही प्लग्स आपको दिया गया, तो इस तरीके की ये कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो क्या क्या आप लिखेंगे, कॉमन प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, इनप्रॉपर ग्राउंडिंग, ओवरलोडेड सर्किट, इनकरेक्ट वायरिंग साइज, मतलब साइज का पता ही नहीं है वायर कौन सा यूज होगा लोड के अकॉर्डिंग, है ना, लॉस कनेक्शंस, कनेक्शन के लॉस उस वजह से हमें देखने को मिल जाते हैं, इनएडिक्वेट इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इम्प्रॉपर सर्किट प्रोटेक्शन, जो सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए हमें मेंटेनेंस देखनी है या फिर हमें ध्यान रखना चाहिए था वो भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। और क्या देख सकते हैं आप प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम जैसे पुअर वर्क्स मैनशिप, मतलब जो काम करने वाला है वो कहीं ना कहीं उसमें जो टेक्निकल स्किल्स थी उनकी लैक देखने को मिलती है, आउटडेटेड वायरिंग आप यूज कर देते हैं, ठीक है, इनकम्पैटिबल कंपोनेंट्स आप यूज कर देते हैं। देखिए आउटडेटेड वायरिंग का मतलब यहाँ पर यह है, जब आप दिवाली या फिर किसी फंक्शन के लिए कोई भी वायर खरीदने जाते हैं तो आप कहीं पर भी उसकी एक्सपायरी नहीं देखते हैं, तो वो आउटडेटेड वायरिंग में आता है, तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है ना। लैक ऑफ प्रॉपर लेवलिंग, यानी कि जो प्रॉपर लेवलिंग करनी थी वायर्स की या इलेक्ट्रिक सर्किट इंस्टॉलेशन की वो नहीं हो पाती है, इनसफिशियंट आउटलेट जो कि मैंने अभी बताया था आपको, और इनकरेंट पोलरिटीज, मतलब कभी कभी ये होता है कि आपको किसी स्विच में इन्वर्टर का कनेक्शन देना था वहां पर आपने डायरेक्ट केवल बिजली का कनेक्शन दे दिया, तो इस तरीके से इनकरेक्ट पोलरिटी या इनकरेक्ट जो कनेक्शंस हैं वो कॉमन प्रॉब्लम्स हमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां से कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, और इनफ होंगे 4 पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फिर से देखिए वही पूछा गया है, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एग्जांपल, यही एलिमेंट्स यहां पर डिस्क्राइब कराए गए हैं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल और एक्टिव एंड पैसिव। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिसमें फ्लो ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में हो, बाइलेटरल वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें फ्लो ऑफ करंट दोनों डायरेक्शन में हो, तो यूनिलेटरल कौन से हो गए, डायोड, और बाइलेटरल हो गया आपका रजिस्टर, और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स या वो एलिमेंट्स होते हैं जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराएं, जैसे कि आपकी बैटरी या फिर ट्रांजिस्टर, और वहीं पर पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एनर्जी को स्टोर या डिसिपेट करते हैं सर्किट के अंदर, तो वो आपके पैसिव एलिमेंट्स हो गए जैसे कि रजिस्टर एंड कैपेसिटर, क्लियर। यही हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे कैसे, वही चीज आपको लिखनी है, अलाउ करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन जैसे कि डायोड, और बाइलेटरल अलाउ द करंट फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन जैसे कि रजिस्टर, और वहीं पर एक्टिव एंड पैसिव की अगर हम बात करें तो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं कैन जनरेट एनर्जी और प्रोवाइड द गेन, जैसे कि बैटरी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया। वहीं पर अगर हम पैसिव एलिमेंट की बात करें तो कैन नॉट जनरेट एनर्जी और प्रोवाइड द गेन, दे आर स्टोर या फिर डिसिपेट द एनर्जी, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, तो दीज आर द पैसिव एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए उसी तरीके से पूछा गया है जैसा कि पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग एलिमेंट्स ब्रीफली, इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स, वहां पर
आइडियल वोल्टेज सोर्स और वहां पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को डिस्कस कराया गया था। यहां पर इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स पूछ लिया गया है और आइडियल करंट सोर्स यहां पर पूछा गया है। तो जनरली इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स की मैं बात करूं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स ही यहां पर एक्चुअली पूछा जा रहा है। तो दैट मीन्स यहां पर जो मेंटेन वोल्ट या फिर हम बोले कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो जीरो रहता है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। यहां पर वोल्टेज जो है वो कॉन्स्टेंट ही आपका बना रहेगा चाहे करंट में कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए। तो वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ऐसे ही आइडियल करंट सोर्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर करंट कांस्टेंट बना रहेगा चाहे वोल्टेज में कितना भी वेरिएशन करा लिया जाए। और इसी वजह से यहाँ पर इसका जो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोबेबिलिटी को ये शो करता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स की तो मेंटेन्स कॉन्स्टेंट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द करंट, मतलब करंट कुछ भी हो यहाँ पर मेंटेन रहेगी कॉन्स्टेंट वोल्टेज। दूसरा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा इंटरनल जीरो। वहीं पर कैन सप्लाई द इनफाइनाइट करंट, यहाँ पर ये जो करंट सप्लाई करेगा ये इनफाइनाइट करंट को सप्लाई करेगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो परफेक्ट बैटरी जो है एक एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स की। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें सेकंड। तो इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, ये मेंटेन करता है कांस्टेंट करंट चाहे वोल्टेज कुछ भी हो, चाहे वोल्टेज घटे या बढ़े देयर इज नो प्रॉब्लम। वहीं पर इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है जीरो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इनफाइनाइट। ठीक है, और कैन सप्लाई एनी वोल्टेज, ये कोई भी वोल्टेज हो देयर इज नो डिस्कशन या फिर उसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। और एग्जाम्पल की बात करें तो परफेक्ट करंट जनरेटर, जो परफेक्ट करंट जनरेटर होता है वो एक आइडियल करंट सोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोडल करंट जो कि है I=IM sin α इन वन कंप्लीट साइकिल। यानी कि यहां पर हमें आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइनोसोडल करंट के लिए जो कि है I=IM sin α एक कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। जनरली होता क्या है कि आई आरएमएस वैल्यू जो है वो कैसे आपको मिलती है वो हम यहां पर देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द आरएमएस वैल्यू, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द साइनोसोडल करंट इज गिवन बाय IRMS=√ में आपका 1/T और इंटीग्रल यानी कि साइकिल के टाइम इंटरवल के साथ 0 to t I²(dt), जहां पे t जो है वो पीरियड ऑफ द साइनोसोइडल फंक्शन है, मतलब एक जो कंप्लीट साइकिल का पीरियड है वो यहां पर t हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूट द गिवन करंट, जो करंट की वैल्यू होती है क्योंकि आपको करंट की वैल्यू दी हुई है IM sin α, तो IT=IM sin α, अल्फा जो है यहां पर ओमेगा t है और जो टाइम है वो 2π/ω है। ठीक है, तो यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो IRMS=√1/T लिमिट हो जाएगी 0 से t तक और IM sin ωt का होल स्क्वायर इंटू dt। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर जब हम खोलेंगे इसका तो ये हो जाएगा IM का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और चूंकि IM होल स्क्वायर है और ये एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो दैट मीन्स IM√1/T लिमिट 0 to t इंटीग्रल की साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, आपको ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब जब फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आगे देखते हैं क्या है कि इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो जब हम इस इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ओमेगा टी −cos 2ωt/2। चूंकि क्या होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 − cos 2a/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बन गया। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो 0 से t लिमिट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, क्योंकि हम इसका इंटीग्रल डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इसीलिए हमने ये वैल्यू इस तरीके से ब्रेक कर ली। तो यहाँ पर दो टर्म अब आपके पास बन गई 1/2 और यहाँ पर cos 2ωt/2। तो 1/2 बाहर ले लिया हमने 0 to t 1 का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। और फिर जो सेकंड टर्म है यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ ये हो जाएगा 0 से t 1/2 − 1/2 cos 2ωt और बाहर हो जाएगा आपका dt। ठीक है, और जब इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो एक टर्म आपके पास ये बन जाएगी और दूसरी टर्म इंटीग्रल के साथ ये बन जाएगी। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, फर्स्ट टर्म इज दैट एंड सेकंड टर्म इज दैट। ठीक है, जब आप इवेल्युएट करेंगे तो किसी कांस्टेंट का जो इंटीग्रल होता है वो वही होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं लिमिट रखने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा टी से जीरो लिमिट रखेंगे आप, मतलब 0 से t तो t − 0 आपको मिलेगा यहाँ पर, तो वो आपको t मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मिल गया t/2। अब जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट बिकम्स जीरो। कैसे, देखिए cos 2ωt का हो गया sin 2ωt। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2ω।
अब जब आप लिमिट रखेंगे, पहले टी आप लिमिट रखेंगे, फिर आप जीरो लिमिट रखेंगे, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू गेट द जीरो, यहां पर आपको जीरो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू होती है 2π/ω, ठीक है, 2π/ω, जब ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे देन यू गेट जीरो, तो ये टर्म आपका आ गया जीरो, और ये हो गया आपका टी बाई टू, तो देन यू गेट द इंटीग्रल ऑफ द कॉस 2ωt ओवर ए कंप्लीट पीरियड इज जीरो, वही चीज हमने यहां पर कैलकुलेट की है। चलिए ये वैल्यू हम सारी पुट कर देते हैं, तो दैट मीन्स इसका जो इंटीग्रेशन है ये वाली टर्म, ये आपके पास क्या आई है टी बाई टू, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1/t t/2, तो t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट 1/2, तो दैट मीन्स आई एम तो ऑलरेडी बाहर था और स्क्वायर रूट में 2 आपका यहाँ से आ जाएगा, तो ये आई आर एम एस वैल्यू हो गई है जो यहाँ पर पूछी गई थी एक साइनोसोइडल करंट के लिए कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, तो करंट की आई आर एम एस वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यहाँ पर कि पहले तो कलर चेंज कर लो पेन का सर, है ना। ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल टू बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इन द लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन सॉरी, यानी कि आपको फेजर डायग्राम बनाना है टू बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जब उस पर कोई भी लोड की कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये समझेंगे या फिर ये देखेंगे कि टू बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है जब हम उस पर लोड नहीं अप्लाई करते। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये टू बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पर ये प्राइमरी बाइंडिंग है, इधर ये सेकेंडरी बाइंडिंग है। तो प्राइमरी बाइंडिंग के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जो कि N1 है, सेकेंडरी बाइंडिंग के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जो कि N2 है। अब हम प्राइमरी बाइंडिंग पर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो है V1, फिर वहीं पर आउटपुट पर हमें सेकेंडरी बाइंडिंग पर एक आउटपुट मिलता है जिसको हम V2 बोल रहे हैं जब यहां पर कोई भी लोड नहीं अप्लाई है। तो जैसे ही आपने प्राइमरी बाइंडिंग पर कोई वोल्टेज अप्लाई की तो वहां पर ऑब्वियसली बात है कुछ करंट फ्लो होगा, और वहीं पर चूंकि नो लोड आपका इस पर है आउटपुट पर, तो दैट मीन्स यहां पर करंट क्या होगा जीरो हो जाएगा, और इसी वजह से जो एनर्जी है यहां पर वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी V2 के, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज आप समझ गए हैं कि आपका टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस तरीके का होता है जब उस पर कोई भी लोड हमने अप्लाई नहीं किया है। अब इसका फेजर डायग्राम आप किस तरीके से बनाएंगे, आपका ये फेजर डायग्राम हो जाता है, ठीक है, ये फाई है और ये वी है, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इनपुट टर्मिनल पर उसी के अकॉर्डिंग यहां पर करंट का वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, और यही आपका फेजर डायग्राम होता है जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में होता है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर बनाना है, कुछ थ्योरी में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल और केवल उसने ड्रॉ करने को आपको ये कंडीशन बोली है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादातर 90% हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिस्क्राइब कीजिए ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स। तो डीसी मशीन्स जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करने को इसने बोला है, डिस्क्राइब मतलब थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हमें बताना होगा। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 या 3 कोई भी डीसी मशीन एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में उनको एक्सप्लेन आपको नहीं करना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डीसी मशीन्स के बारे में जानेंगे, हो सकता है आप कोई भी 4 याद करें और आपको 3 वहां पर रिमाइंड रह जाए, 1 कोई भूल जाए, तो इसलिए आप 3-4 जरूर करके यहां से जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं डीसी मशीन्स में जैसे हमें नाम याद आता है डीसी संट मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का, डीसी कंपाउंड मोटर का, डीसी जनरेटर का, है ना। तो इस तरीके से ये हमारी डीसी मशीन्स है जो डीसी पर ऑपरेट होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1 by 1 आपको बताऊं यहां पर, तो डीसी संट मोटर क्या है, बेसिकली डीसी संट मोटर वो मोटर होता है जिसमें फील्ड बाइंडिंग कनेक्ट रहता है पैरेलल में आर्मेचर के साथ। संट का मतलब होता है पैरेलल, है ना, होगा पैरेलल या संट हम इसको बोल देते हैं। तो जब आपकी फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होती है तो वो आपकी संट डीसी मोटर कहलाती है। ये करती क्या है, इट प्रोवाइड द कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड, मतलब अगर लोड वेरी भी कर रहा है तो यहां पर ये डीसी संट मोटर आपको कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड कराती है, ठीक है, बस इतना आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर क्या होती है, जब ये फील्ड बाइंडिंग आपकी सीरीज में कनेक्ट हो जाती है आर्मेचर के, तो ये आपका डीसी सीरीज मोटर बन जाता है, ठीक। इसका काम क्या है, ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराती है, स्पीड वेरी करती है विद लोड। जब आपका डीसी संट मोटर सॉरी डीसी सीरीज मोटर की हम बात करते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर में चूंकि फील्ड बाइंडिंग जो है वो आर्मेचर से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो जैसे जैसे यहां पर लोड वेरी करेगा उसी के हिसाब से स्पीड भी इस मोटर की वेरी करती है, और ये आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराती है, ठीक है। चलिए दोनों समझ में आ गए अच्छे से, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डीसी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और शंट दोनों का। तो दैट मींस इट हैज
बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड बाइंडिंग। यहाँ पर जो फील्ड बाइंडिंग है वो शंट में भी है और सीरीज कंडीशन में भी है, तो इसीलिए हम इसको डीसी कंपाउंड मोटर बोल देते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, कैन बी क्यूमुलेटिवली और डिफरेंटली कंपाउंड कंबाइनिंग बेनिफिट ऑफ बोथ शंट एंड सीरीज मोटर। मतलब यहाँ पर दोनों तरीके के बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे वो आपका लोड में वेरिएशन जो स्पीड का होता है उसको कंट्रोल करती है, यहाँ पर इसमें स्पीड का वेरिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू लोड, तो इसलिए हम इसको कंबाइन करके एक अलग तरीके का करेक्टरिस्टिक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीसी कंपाउंड मोटर। आई होप तीनों डीसी मशीन्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे हम दो और मशीन्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ये क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग पावर्ड बाई ए सेपरेट एक्सटर्नल सोर्स। मतलब यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग है उसको जो हम सोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं एनर्जी का, वो सेपरेटली बाहर से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो वो आपकी डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर हो जाएगी। आप नाम को ही समझे, यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेड, तो मतलब एक्साइटेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सोर्स इससे कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ टाइप ऑफ डीसी मशीन हो जाता है। इसकी करेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द स्पीड एंड टोर्क। मतलब स्पीड और टोर्क पर कंट्रोल प्रोवाइड आपकी कराती है डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की अगर मैं बात करता हूं तो ऑपरेट्स इन रिवर्स ऑफ द मोटर। मतलब ये ऑपरेट करती है रिवर्स ऑफ द मोटर पे एंड जनरेट द डीसी वोल्टेज। ये डीसी वोल्टेज जनरेट करने का काम करती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे डीसी जनरेटर है। जो जनरेटर आप वर्ड सुने हैं लाइट में, तो वो क्या होते हैं, वो आपको लाइट को जनरेट, मतलब एसी को जनरेट करके देते हैं, है ना, वो जनरेटर। तो ये डीसी जनरेटर है, तो दैट मीन्स ये डीसी वोल्टेज को जनरेट करने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके टाइप्स में अगर हम बात करें तो ऐसी डीसी जनरेटर शंट भी हो जाएगा, सीरीज भी हो जाएगा, कंपाउंड भी हो जाएगा, और डिपेंडिंग ऑन द फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन। ये जो टाइप्स है, ये फील्ड वाइंडिंग की जो कनेक्शन हमने किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। मतलब डीसी शंट जनरेटर भी होता है, डीसी सीरीज जनरेटर भी होता है, डीसी कंपाउंड जनरेटर भी होता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का वाइंडिंग कनेक्शन वहां पर प्रोवाइड कराया गया है। ये पांच डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। ठीक है, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आप 3 डीसी मशीन्स वहां पर डिस्क्राइब करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द SFU। अब SFU क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो SFU क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं SFU की, तो SFU अलाउ प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ AC मोटर स्पीड एंड टॉर्क, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन वेरियस इंडस्ट्रियल एंड पावर एप्लीकेशन। अगर मैं आपसे बोलूं तो SFU एक पैरामीटर होता है AC मोटर में, जो कि AC मोटर की स्पीड एंड टॉर्क को कंट्रोल करने के काम आता है। ठीक है, और जिससे कि होगा क्या कि जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाएगी, जिससे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इंडस्ट्री में हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, पर्पज जनरली अगर मैं बात करूं तो पर्पज क्या होता है, कन्वर्ट द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी AC टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC। मतलब कोई एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की AC है, उसको ये कन्वर्ट करता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की AC में। ठीक, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, रेक्टिफायर की नीड होती है, DC लिंक की नीड होती है, और इन्वर्टर की नीड होती है जो कि इन्वर्ट करेगा, है ना। और प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस DC को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यही होता है SFU। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से पैरामीटर है इसका AC मोटर का, जो कि स्पीड एंड टोर्क को कंट्रोल करता है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ आपको ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली AC प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्लियर। तो आई होप SFU आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट इज द रियल पावर कंज्यूम्ड बाय ए प्योर इंडक्टर। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या रियल पावर कंज्यूम करता है प्योर इंडक्टर, वो यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बोला गया है विद द सुटेबल डायग्राम की हेल्प से। इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें भी हम इसको इंक्लूड कर चुके हैं, है ना। तो दैट मींस प्योर इंडक्टर में जो पावर कंज्यूम्ड होती है वो जीरो होती है, ये हमने प्रूफ भी किया है। तो पहले जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि प्रूफ कीजिए कि जो प्योर इंडक्टर होता है वो पावर जो कंज्यूम करता है वो जीरो होती है। अब आज हम इस आंसर को दो टाइप से डिस्कस करेंगे। पहले टाइप में अगर हम देखें तो पहला टाइप क्या है, द पावर कंज्यूम ऑफ ए प्योर इंडक्टर इज जीरो। क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ए प्योर इंडक्टर
विच इज एन आइडियल कंपोनेंट विद नो रेजिस्टेंस, मतलब प्योर इंडक्टर जो है वो एक आइडियल कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस नहीं होता है, डज नॉट, दैट मीन्स क्योंकि रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर क्या करता है, डिसिपेट करता है पावर को, तो डज नॉट डिसिपेट एनी पावर, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है तो पावर भी डिसिपेट नहीं होगी। इन ए प्योर इंडक्टर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो करंट फ्लो हो रही है इस प्योर इंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आगे बात करते हैं, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द इंडक्टर, इंडक्टर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर का डिसिपेशन नहीं होगा, सो द करंट फ्लोइंग थ्रू इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी वोल्टेज ड्रॉप और पावर डिसिपेशन, तो जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट फ्लो की कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा, मतलब उसके को ऐसा नहीं लगेगा कि कोई फोर्स उस पर लग रहा है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं होगा, दैट मींस कोई भी पावर का डिसिपेशन नहीं देखने को मिलेगा, दैट इज द पावर इज एन इंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई होता है, अगर मैं V की वैल्यू यहां पर रख देता हूं ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो देन इट बिकम्स आई आर स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। इन ए प्योर इंडक्टर द रेजिस्टेंस इज जीरो, प्योर इंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो अगर मैं ये जीरो रख देता हूं तो पावर क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, ठीक है। सो द पावर कंजम्पशन पी इज ऑल्सो जीरो, तो पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कोई भी करंट वहां पर फ्लो हो रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पर प्योर कंडक्टर में जो पावर है कंज्यूम्ड वो जीरो है, द इंडक्टर सिंपली स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बस इंडक्टर काम क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, एंड रिलीज इट बैक टू द सर्किट एज नीडेड, जब सर्किट में नीड होगी इसकी तो वो उसको रिलीज भी कर देता है विदाउट डिसिपेटिंग एनी पावर, कोई भी डिसिपेशन वहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, कोल्ड रूम बना दिए जाते हैं जिससे कि वहां पर आप सामान को स्टोर कर सकें, और स्टोर करने के बाद जब फ्यूचर में नीड होती है तो आप उनका रीयूज कर लेते हैं, तो वैसे ही यहां पर है, यहां पर एनर्जी को स्टोर कर लेता है आपका प्योर इंडक्टर, और जब नीड होती है सर्किट को तो वो उसको रिलीज भी कर देता है, ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में कोई भी पावर का डिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपका हो गया कि जो पावर कंज्यूम होती है प्योर इंडक्टर में वो कितना होती है, जीरो होती है। अब अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझें इसी के आंसर को, तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया है पी वी और आई का, यानी कि पावर वोल्टेज और आई के बीच में, है ना। तो अगर मैं यहां पर वोल्टेज का ग्राफ देखूं तो ये वोल्टेज की साइन वेव आपको दिख रही होगी ये वाली, ठीक है। फिर अगर वहीं पर मैं करंट को देखूं तो करंट लैग करके चल रही है 90 डिग्री, मैं इसको पूरा यहां पर करता हूं तो ये वेव कुछ इस तरीके से कंप्लीट बनेगी ऐसे, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें P इक्वल्स टू V डॉट I, और यू कैन राइट वी आई, ये हो जाता है क्या, कॉस थीटा एंगल, है ना, कॉस थीटा एंगल है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो दैट मीन्स पावर जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी प्योर इंडक्टर में, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो कंजम्पशन पावर है वो क्या आ रहा है, जीरो आ जा। पावर कंजम्पशन इन प्योर इंडक्टर इज जीरो बिकॉज वी नो दैट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट इज लैगिंग बाई 90 डिग्री फ्रॉम द वोल्टेज, मतलब प्योर इंडक्टर में हमें पता है अगर हम फेजर डायग्राम बनाए वोल्टेज और करंट का, तो वहां पर जो करंट है वो 90 डिग्री के साथ लैग करके चलती है एज कंपेयर टू द वोल्टेज। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इफ करंट एंड वोल्टेज आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, देन द पावर विल बी जीरो, क्यों, क्योंकि P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई होता है, और जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है 90 डिग्री का, तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है जीरो। इसकी जगह पर अगर हम जीरो पुट करेंगे और जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से करेंगे तो इट गिव यू जीरो, तो दैट मींस जो पावर कंज्यूम हो रही है प्योर इंडक्टर में वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जीरो हो जाती है। तो आपसे वो प्रूफ जब कराएगा तो आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करके प्रूफ कर देंगे कि प्योर इंडक्टर में जो पावर कंज्यूम होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। इज दैट क्लियर, चलिए आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की, कि डिफाइन कीजिए एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्म फैक्टर एंड द पीक फैक्टर। पीक फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर बताएंगे, यानी कि पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। चलिए देख लेते हैं। तो फॉर्म फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये रेशो होता है आई आर एम एस RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्म फैक्टर की बात करता हूँ तो फॉर्म फैक्टर हो जाता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है।
वो करंट की भी हो सकती है, वोल्टेज की भी। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू हो जाएगा। मेजर वेव फॉर्म शेप, ये हम बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, जिससे कि हमें पता चल पाए कि वेव फॉर्म की शेप क्या है। तो फॉर द साइन वेव अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करूं तो इट इज 1.11। तो फॉर्म फैक्टर साइन वेव के लिए क्या होता है, 1.11। वहीं पर अगर मैं पीक फैक्टर की बात करता हूं, जिसको हम क्रेस्ट फैक्टर भी बोल देते हैं, तो ये किसका रेशो होता है, रेशो ऑफ द पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, यानी कि जो पीक वैल्यू होगी उसका रेशो आरएमएस वैल्यू के साथ, दैट्स गिव द पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर हम इसको बोलते हैं। तो पीक फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। इंडिकेट्स वेव फॉर्म पीकनेस, पीकनेस मतलब कि ये हमें बताता है कि वेव फॉर्म की पीकनेस कितनी है, ठीक है। तो साइन वेव के लिए अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करें, सॉरी पीक फैक्टर की बात करें, तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट मींस 1.414। तो ये दोनों फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि स्टेट द किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, आप बहुत आसानी से इनको समझ सकते हैं क्योंकि आप इनको 12th में भी पढ़कर आए हैं, है ना। तो किरचॉफ्स सर्किट लॉ होता है जिसको हम KCL, सॉरी किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको हम KCL बोलते हैं। KCL में क्या होता है, KCL में कहने का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पर कितनी करंट आ रही है और कितनी करंट जा रही है वो एक दूसरे के, उनका समेशन जो है वो इक्वल होता है। तो दैट मीन्स द टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन और ए नोड इज इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। जैसे हम एक रूम की बात करते हैं, एक रूम में दरवाजा एक तरफ से है आने के लिए, दूसरी तरफ से जाने के लिए, तो मतलब जितनी करंट या जितने लोग उस दरवाजे से एंटर हुए उतने ही लोग तो उस दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेंगे। तो दैट मीन्स उन सब की जो सम है वो इक्वल टू होगा, इन इक्वल्स टू आउट। तो दैट मीन्स सबमिशन ऑफ द इनपुट करंट जो इन हो रही है इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ द आउट करंट जो कि बाहर निकल रही है करंट। वहीं पर अगर हम KVL की बात करें तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है कि जो सम है पोटेंशियल डिफरेंसेस का किसी भी एक क्लोज लूप में वो जीरो होगा। दैट मींस द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस, दैट्स द वोल्टेजेस जिसको हम बोलते हैं, अराउंड एनी क्लोज लूप और सर्किट इज जीरो। मतलब एक सर्किट अगर इस तरीके से है, यहां पर वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, लुक्स लाइक दैट, कितने भी वोल्टेज सोर्स आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो उन सब का जो सम होगा इन सब वोल्टेज सोर्सेस का वो क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं। तो यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जो है किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी क्लोज लूप में, वो जीरो होता है। तो आई होप दोनों लॉ आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। डिफाइन द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है रेशो ऑफ द रियल पावर टू द अपेरेंट पावर। मतलब ये एक रेशो है इसका, पावर का, रियल पावर का अपेरेंट पावर के साथ, इसमें इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में अगर हम रियल पावर का रेशो अपेरेंट पावर के साथ निकालें तो दैट्स कॉल्ड द पावर फैक्टर ऑफ दैट एसी, है ना। और ये इंडिकेट करता है हाउ एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क। तो यहां से हमें पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कितना एफिशिएंटली कन्वर्ट हो रही है जिस काम के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन में पावर फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन S। P क्या है, आपका रियल पावर है, S आपका अपेरेंट पावर है, और वो इक्वल्स टू होता है cos phi के, ठीक है। यहाँ पर phi जो है वो फेस एंगल है बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, जैसा कि हमने फेजर डायग्राम अभी आगे बनाया था ना, तो वो आपका एक एंगल डिफाइन कर रहा है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, और रियल पावर और अपेरेंट पावर के बीच का रेशो आपको पावर फैक्टर डिफाइन करता है, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से ही आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं डायरेक्टली, बस आपको यूनिट वाइज जो आपकी टर्म्स आ रही हैं उस यूनिट में स्पेसिफिकली यूज हो रही हैं वो सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अपने आप आपके तैयार होते चले जाएंगे। इस सीरीज को जब आप देखेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम इलेक्ट्रिकल में बेहतर पोजिशन पर हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि डिफाइन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो चीज यहां पर पूछी गई है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMF बोल सकते हैं, ये क्या होता है, द वोल्टेज जनरेटेड बाई ए सोर्स सच एज बैटरी और जनरेटर। मतलब जो वोल्टेज जनरेट की जाती है किसी सोर्स या फिर बैटरी से या फिर जनरेटर से, वो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर ड्राइविंग द करंट थ्रू ए सर्किट। मतलब कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है किसी सर्किट पर वही रेस्पॉन्सिबल है उसमें कितना करंट फ्लो होगा उसके, है ना। इट रिप्रेजेंट दैट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल।
मतलब कहने का यह है कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो रहा है किसके लिए, जो कि चार्ज को मूव करा रहा है वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। दैट मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 18 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में, एक लाइन में अगर मैं बताऊं यहां पर, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है, वही ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम। आप सुपरपोजिशन थ्योरम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, तो उसका स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया है। क्या स्टेटमेंट है सुपरपोजिशन थ्योरम का? तो जनरली क्या होता है कि किसी लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे होते हैं, तो उनका जो टोटल रेस्पॉन्स होता है किसी भी कंपोनेंट का अगर हम बात करें तो वो सम ऑफ द रेस्पॉन्स होता है जो इंडिपेंडेंटली सोर्स वहां पर एक्ट कर रहे हैं, और यही आपका सुपरपोजिशन थ्योरम कहलाती है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे वो हम यहां पर देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इन ए लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट विद मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, किसी एक लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट में मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, द टोटल रेस्पॉन्स, चाहे वो करंट का हो सोर्स या फिर वोल्टेज का सोर्स हो, एट एनी कंपोनेंट, किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पर, वो उन सबका जो रेस्पॉन्स होगा, सम ऑफ दीज रेस्पॉन्स caused by each independent source acting alone। मतलब कहने का ये है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि कोई अगर सर्किट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कोई सर्किट है, आगे आपका कुछ और लगा हुआ है जैसे कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। अगर हम बेसिकली एक सर्किट की बात करें तो इस सर्किट में बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो। अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पर हम रेस्पॉन्स निकालना चाहें तो वो रेस्पॉन्स उस इंडिविजुअल कंपोनेंट पर जितने भी इंडिविजुअल सोर्सेज वहां पर हैं इंडिपेंड, उन सब के रेस्पॉन्स का सम होगा, है ना, विद ऑल अदर सोर्सेज रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। जो और अदर सोर्सेज हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं थ्रू द देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? यही सुपरपोजिशन थ्योरम होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है वो यहां पर पूछा गया है। तो अगर आपको ध्यान हो तो डीसी कम्यूटेटर का जो मेनली फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्मेचर। आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना ही इसका फंक्शन होता है, जैसे जैसे हाफ साइकिल आपकी पहुंचती है जनरेटर पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इन द डीसी जनरेटर, द कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग एवरी हाफ साइकिल। मतलब प्रत्येक हाफ साइकिल के लिए वो क्या करता है, डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है जो हाफ साइकिल आपकी वाइंडिंग पर पहुंच रही है। ठीक है, एंश्योरिंग दैट द आउटपुट वोल्टेज रिमेनिंग यूनिडायरेक्शनल। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो यूनिडायरेक्शनल रहेगी, आउटपुट वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस वो डायरेक्शन को करंट की रिवर्स कर देगा। डिसिपेट द आर्मेचर्स रोटेशन, जिस वजह से आर्मेचर का रोटेशन वहां पर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है कि कम्यूटेटर का क्या काम है डीसी जनरेटर। तो सिंपल इज दैट, रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ द करंट आर्मेचर वाइंडिंग में जब हर एक हाफ साइकिल पहुंचती है। पहली हाफ साइकिल गई वो आपकी करंट की डायरेक्शन को, जो भी वहां पर फ्लो हो रहा था उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल गई तो अब जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी डायरेक्शन को वो रिवर्स कर देगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्या कह रहा है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि व्हाट इज द केवीए रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। देखिए, जब आप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर पर एक रेटिंग दी जाती है या रेटिंग लिखी हुई होती है, केवीए रेटिंग। तो केवीए रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये है किलो वोल्ट एम्पियर, यानी कि ये क्या है, एक किलो वोल्ट एम्पियर की रेटिंग होती है जो ट्रांसफार्मर पर मेंशन होती है, और वो ये बताती है कि इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कितनी है, कि ये कितना सप्लाई कर सकता है पावर का विदाउट ओवरहीटिंग, जिससे कि ये ओवरहीट ना हो। आपने देखा होगा गर्मियों में ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाता है, एसी चलने लगती है, फैन चलने लगते हैं, कूलर्स चलने लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो ओवरहीट हो जाता है। भाई आपके गांव के बाहर या आपकी गली के बाहर अगर कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो लोड मेजर करके लगाया गया है, जितने भी मीटर्स वहां पर लगे हुए हैं उस कॉलोनी में उस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होंगे, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे दिन निकलते हैं, पर्सन टू पर्सन वहां पर बढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अप्लायंस है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो भी वहां पर इंक्रीज हो जाते हैं। तो लोड तो वही है, केवीए रेटिंग जो है उस ट्रांसफार्मर की वही है, लेकिन आगे जो लोड है वो बढ़ गया है।
अब जब वो लोड बढ़ा है तो दैट मीन्स उस पर ओवर हीटिंग होगी और वो ट्रांसफॉर्मर फूक जाता है, खराब हो जाता है। क्लियर? तो यानी कि केवीए रेटिंग क्या है, वो इंडिकेट करती है मैक्सिमम अपेरेंट पावर दैट ए ट्रांसफॉर्मर कैन हैंडल सेफली, मतलब वो एक मैक्सिमम पावर को इंडिकेट करता है कि आपका ट्रांसफॉर्मर जितना सेफली हैंडल कर सके। आगे, इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी टू सप्लाई द पावर, और इसका रिफ्लेक्शन क्या देखने को मिलता है, तो दैट मीन्स हम जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी को बताता है, ये कितनी सप्लाई की पावर को, मतलब कितनी पावर को सप्लाई कर सकता है विदाउट ओवर हीटिंग, बिना ओवर हीटिंग के किए हुए। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द पावर फैक्टर, हम पावर फैक्टर को कंसिडर करके यहाँ पर नहीं चलते हैं। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के बेसिस पर डिफाइन करूं तो केवीए रेटिंग क्या होती है, वोल्टेज इनटू करंट अपॉन 1000। तो अगर हम वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई करके उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो देन वी गेट द केवीए रेटिंग ऑफ दैट ट्रांसफार्मर। ठीक, वी जो है यहाँ पर वोल्ट्स में होता है, आई जो है यहाँ पर करंट है यानी कि एम्पेयर में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो केवीए रेटिंग आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ड्रॉ कीजिए नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब ट्रांसफार्मर पर कोई भी लोड नहीं लगा होगा तो उसका फेजर डायग्राम आप बनाएं। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसफार्मर देख लेते हैं क्या होता है। ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आपके पास दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। इन नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू के हिसाब से ही हम ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन बोलते हैं। वहीं पर हमने प्राइमरी वाइंडिंग पर जैसे ही कोई वोल्टेज अप्लाई किया तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और करंट चूंकि सर्कुलर पाथ में जा रहा है इस तरीके से, तो वहां पर एक फ्लक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट हुआ तो आगे फर्दर प्रोसेस ट्रांसफार्मर का स्टार्ट हो जाता है। देन आगे आपका लोड की तरफ आपका सेकेंडरी वाइंडिंग लगा हुआ है जहां से आप आउटपुट देंगे आगे, तो वो आपका चूंकि यहाँ पर कोई भी करंट सॉरी कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। और जो एनर्जी ट्रांसफर है लोड जो करे मतलब ट्रांसफार्मर जो आउटपुट पर एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इट्स डायरेक्टली इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल रही है सेकेंडरी वाइंडिंग पर। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर हो गया जब उस पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके फेजर डायग्राम की, तो ये आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पर फाइ ले लेंगे, यहाँ पर V1 ले लेंगे जो इनपुट पर आपने वोल्टेज अप्लाई की है, इधर आप इसका एनर्जी दिखा देंगे एट द इनपुट एज वेल एज एट द आउटपुट, और फिर यहाँ पर करंट का फेजर डायग्राम इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो जाता है ट्रांसफार्मर का जब उस पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में एक पैरामीटर होता है या एक करेक्टरिस्टिक होती है स्लिप, या फिर एक पार्ट होता है इंडक्शन मोटर का स्लिप, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो स्लिप जनरली क्या है, ये एक रेशो होता है इसका डिफरेंस ऑफ द सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर एंड रोटर स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर टू द सिंक्रोनियस स्पीड। ठीक है, ये एक रेशो को डिफाइन करता है। तो मैं इसको अगर आपको डिफाइन करूं कैसे आप लिखेंगे, तो द स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड। उनका डिफरेंस उसके रेशो के साथ इसके जो हमारा सिंक्रोनियस स्पीड है, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द सिंक्रोनियस स्पीड। सिंक्रोनियस स्पीड के परसेंटेज के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो दैट मीन्स स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू सिंक्रोनियस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनियस स्पीड इनटू, क्योंकि परसेंटेज में हम डिफाइन कर रहे हैं तो 100% से आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर NS क्या है, आपका सिंक्रोनियस स्पीड है, NR जो है वो रोटर की स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्लिप हो जाता है इंडक्शन मोटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड सिंक्रोनियस स्पीड इन द एसी मशीन। अभी हमने पीछे स्लिप की बात की तो वहां पर हमने सिंक्रोनियस स्पीड का जिक्र किया था, तो एसी मशीन में सिंक्रोनियस स्पीड क्या होती है ये पूछा गया है। तो सिंक्रोनियस स्पीड क्या होती है, द सिंक्रोनियस स्पीड इज द स्पीड एट विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन एसी मशीन, जैसे कि आपका सिंक्रोनियस मोटर हो या जनरेटर हो, रोटेट्स। मतलब कहने का यह है कि सिंक्रोनियस स्पीड एसी मशीन में, चाहे आप सिंक्रोनियस मोटर की बात कर लीजिए या सिंक्रोनियस जनरेटर की बात कर लीजिए, तो वो आपका बताती है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड उस एसी मशीन का किस स्पीड से मूव कर रहा है या घूम रहा है, वो सिंक्रोनियस स्पीड है उस मशीन का, है ना। इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई एंड नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन। मतलब जो एसी सप्लाई आपने दी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके नंबर ऑफ पोल्स जो है मशीन के वो कितने हैं, उससे आपको मिलता है सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ मशीन। तो दैट मीन्स सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ मशीन NS इक्वल्स टू क्या होता है, 120 इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स।
तो ये फॉर्मूला है सिंक्रोनियस स्पीड फाइंड आउट करने का एसी मशीन की, ठीक है। एनएस जो हो गया यहां पर सिंक्रोनियस स्पीड है, इन आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट कितने हो रहे हैं वो हम इस तरीके से मेजर करते हैं सिंक्रोनियस स्पीड को। एफ जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में, और पी जो है वो नंबर ऑफ पोल्स हैं। तो अगर आपसे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी यूनिट है आरपीएम की यानी कि सिंक्रोनियस स्पीड की जो यूनिट आएगी वो रिवॉल्यूशन पर मिनट्स आएगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्स में होगी, और जब आपके नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर पी दिए होंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंक्रोनियस स्पीड हो गया एसी मशीन में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, क्या इसके यूजेस हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो यूजेस के साथ साथ हम पूरा फॉर्म फैक्टर के बारे में ही जान लेते हैं। फॉर्म फैक्टर एक्चुअल में क्या है, रेशो होता है आरएमएस वैल्यू का एवरेज वैल्यू के साथ। तो अगर मैं फॉर्म फैक्टर लिखूं तो आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये आपका फॉर्म फैक्टर कहलाता है। और इसका काम क्या है, मेजर द वेव फॉर्म शेप, शेप जो वेव फॉर्म की कैसी होगी वो मेजर करते हैं हम, या फिर वो डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म फैक्टर। जैसे कि साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, क्लियर हुआ। तो ये फॉर्म फैक्टर के बारे में हो गया। अब अगर मैं पीक फैक्टर या फिर जिसको हम क्रस्ट फैक्टर भी बोलते हैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो ये भी एक रेशो होता है किसका, पीक वैल्यू का आरएमएस वैल्यू के साथ। दैट मींस फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, ये आपका फॉर्म फैक्टर यानी कि क्रस्ट फैक्टर आपको देता है। आगे इंडिकेट्स द वेव फॉर्म पीकनेस, मतलब ये इसका काम क्या है, ये इंडिकेशन प्रोवाइड कराता है उस वेव फॉर्म की पीकनेस के बारे में, इसीलिए इसको पीक फैक्टर भी बोला गया है। और साइन वेव के लिए इस पीक फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है 1.414। ये तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, और फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू आप साइन वेव के लिए या साइन वेव के रेस्पेक्ट में आप बताइए। तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा कि फॉर्म फैक्टर साइन वेव का कितना होता है 1.1, और फॉर्म फैक्टर के साथ साथ पीक फैक्टर जो साइन वेव का होता है वो 1.414 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म में है। व्हाट इज द रेशो ऑफ नो लोड स्पीड टू फुल लोड स्पीड, मतलब हमने रेशो फाइंड आउट करना है नो लोड स्पीड का और फुल लोड स्पीड का, जब हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं 200 केवीए यानी कि ट्रांसफॉर्मर का केवीए रेटिंग हमको 200 केवीए दिया गया है। आगे 12 नंबर ऑफ पोल्स दे दिए हैं और 2200 वोल्ट यहां पर वोल्टेज दिया हुआ है, 3 फेज आपका है, और 60 हर्ट्ज की सिंक्रोनियस मोटर यहां पर ये दी हुई है या इसके लिए ये पैरामीटर्स गिवन है। सबसे पहले तो हम चीजें लिखेंगे जो जो चीजें हमें गिवन है, और फिर हम सिंक्रोनियस स्पीड यहां पर फाइंड आउट करेंगे, देन फाइनली हम फाइंड आउट कर लेंगे उसका रेशो। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो जो जो चीजें आपको सिंक्रोनियस मोटर के लिए गिवन है वो हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम सिंक्रोनियस स्पीड फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होती है 120 × F/P, सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास सिंक्रोनियस स्पीड जो आ गई है वो 600 रोटेशन पर मिनट यहां पर देखने को मिले हैं, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट आपको देखने को मिल जाते हैं 600। तो चूंकि नो लोड है, नो लोड स्पीड क्या हो जाएगी, फुल लोड स्पीड के इक्वल हो जाएगी। जब कोई लोड ही नहीं लगा हुआ है तो जो उसकी स्पीड है वो फुल लोड स्पीड के बराबर है। फॉर द सिंक्रोनियस मोटर स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लोड, मतलब देखिए जो सिंक्रोनियस मोटर होता है उसका जो स्पीड है वो लोड पर डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है चाहे लोड कुछ भी हो। तो इसलिए यहाँ पर नो लोड स्पीड इक्वल्स टू फुल लोड स्पीड, और जब नो लोड स्पीड इक्वल टू है फुल लोड स्पीड के तो रेशो क्या हो जाएगा भैया, रेशो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंक्रोनियस स्पीड मैंने इसलिए आपको निकलवा दिया यहाँ पर, वो हो सकता है कि पूछ सके ये सिंक्रोनियस स्पीड क्या होती है, लेकिन जब उसने बोल दिया है कि नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड का रेशो बताइए, तो सिंक्रोनियस मोटर के लिए जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है चाहे लोड कुछ भी, ठीक है। तो रेशो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसमें डिफरेंशिएट करना है पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरली क्या होता है कि जो एनर्जी हम प्रोवाइड करा रहे हैं पर यूनिट चार्ज, सोर्स कोई भी सोर्स है वो कितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करा रहा है टू ड्राइविंग द थ्रू द करंट, जो कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो आपका ईएमएफ कहलाता है। मतलब उस करंट के फ्लो होने से कितना एनर्जी आपका सोर्स प्रोवाइड करा रहा है पर यूनिट चार्ज, वो आपका ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरली क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है,
यही डिफरेंस हम इसमें लिखेंगे। टू मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया, तो ज्यादा डिटेल में हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? द एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट चार्ज बाय ए सोर्स, वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, बाय ड्राइविंग करंट थ्रू ए सर्किट। यानी कि एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो ऑफ करंट की वजह से जो कि सोर्स आपने अप्लाई किया है, कितना एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है पर यूनिट सोर्स, वो सॉरी पर यूनिट चार्ज, वो सोर्स जो आपने इनपुट पर अप्लाई किया है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, इन एनी सर्किट वेयर करंट फ्लो, जहां पर कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 फिर वही पूछा गया है कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर होता है रेशो ऑफ रियल पावर टू द अपरेंट पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में रियल पावर क्या है, उसका रेशो अपरेंट पावर से, वो आपका क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। और इट इंडिकेट्स हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क। और ये क्या देता है, क्या इंडिकेट करता है कि कितनी पावर या वो सॉरी कितनी एफिशिएंसी है इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कि आपका जो हमारा एलिमेंट है या जो हमारा सर्किट है वो यूजफुल वर्क के लिए हम उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर मैं देखूं तो पावर फैक्टर PF इक्वल्स टू होता है रियल पावर टू द अपेरेंट पावर, दैट मीन्स वो इक्वल्स टू कॉस फाई भी रहता है। और फाई जो है यहाँ पर वो फेस एंगल है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो आपका फाई है, जिसको हम फेस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए आप तीसरी पार्ट, आज इस सीरीज का तीसरा पार्ट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि यूनिट वाइज कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। और अगर आप पहले ही पार्ट से जुड़े हुए हैं, पहले पार्ट से आपने वीडियो देखी है, तो जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट्स, चाहे आप मोटर की बात कर लीजिए या ट्रांसफार्मर की बात कर लीजिए, या फिर स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट के जो अलग अलग टाइप के हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं, एलिमेंट्स यूज करते हैं, उन्हीं को डिफाइन किया जा रहा है, उन्हीं को पूछा जा रहा है बार बार। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है और एनालाइज करते हुए हर पार्ट को चलते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें करके तैयार जाना है। ठीक है, चलिए देखिए सेक्शन ए एक आपका ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कम समय में अच्छे मार्क्स 14 out of 14 अचीव कर सकते हैं। लिखना भी कम पड़ता है, ज्यादा मेहनत आपको लिखने में भी नहीं करनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म में आपको आंसर देना होता है, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना पड़ता है, ज्यादा राम कथा वहां पर लिखने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसलिए आप सेक्शन ए के लिए इस पूरी सीरीज को देखकर जाएं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा 14 मार्क्स में अच्छे मार्क्स अचीव करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। इज द सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड फॉर द डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ द पावर, एक्सप्लेन ब्रीफली। क्या जो सुपरपोजिशन होती है वो वैलिड होती है डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ पावर के लिए, अगर है या नहीं है तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। जनरली क्या होता है, जो सुपरपोजिशन होती है वो डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे उससे पावर, क्योंकि वो रेस्पॉन्स का सम होती है, जो इंडिविजुअल सोर्सेज होते हैं उन सब के रेस्पॉन्स का सम जो होता है वो बताती है ना। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट डायरेक्टली यूज फॉर कैलकुलेटिंग द पावर। ये डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे हम कैलकुलेट द पावर। अब क्यों नहीं करेंगे ये हम देते हैं एक्सप्लेनेशन। इट is applicable for the analyzing linear circuit by considering each source separately. हम यहाँ पर generally superposition theorem का जो use करते हैं वो किसी linear circuit को analyze करने के लिए use करते हैं, और जिसमें हम हर एक source को separately consider करके चलते हैं। But power calculation involves combining effects and accounting for the phase relationship. यहाँ पर जो power calculation है वो किस तरीके से involvement आप देख सकते हैं, combining effect and accounting of the अकाउंटिंग फॉर द फेस रिलेशनशिप। इस तरीके से हम पावर कैलकुलेशन में सुपरपोजिशन का यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हम फॉर द कैलकुलेटिंग द पावर सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज नहीं करते हैं। आपने सुपरपोजिशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करे होंगे, तो वहां पर कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल में आपने डायरेक्ट पावर कैलकुलेट नहीं की होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि वॉट इज द नीड ऑफ द कॉम्यूलेटर इन डीसी जनरेटर, यानी कि कम्यूटेटर का क्या नीड है डीसी जनरेटर में। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका दोबारा से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया है रिपीट करके, तो दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं आंसर की, तो आपको पता होगा टू रिवर्स द करंट डायरेक्शन, है ना। द नीड ऑफ द कम्यूटेटर क्या होता है डीसी जनरेटर में, द कम्यूटेटर रिवर्स द
करंट डायरेक्शन इन आर्मेचर वाइंडिंग टू एंश्योर दैट द आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स यूनिडायरेक्शनल। मतलब कहने का यह है कि जो कम्यूटेटर है डीसी जनरेटर में, वो क्या करता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। उसको ये कोई मतलब नहीं है कि आपका वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो यूनिडायरेक्शन ही रहेगी जैसी थी, बस वो आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रिवर्स कर देता है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। एंड कन्वर्टिंग द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर इनटू द डायरेक्ट करंट। और उससे होगा क्या कि जो अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस हो रही है आर्मेचर में, उसको वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि डीसी जनरेटर है ना, तो डीसी को जनरेट करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्या नीड है कम्यूटेटर की डीसी जनरेटर में। ठीक है, चलो 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सबसे पहले सर आप कलर चेंज कर लीजिए पेन का, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हमने कर लिया कि व्हाई इज ट्रांसफार्मर रेटिंग डन इन द वोल्ट एम्पियर। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि आपका KVA का रेटिंग का मतलब क्या है ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग, उसी को लैंग्वेज घुमाकर अब पूछ लिया गया है कि जो ट्रांसफार्मर में रेटिंग हम देते हैं वो वोल्टेज और एम्पियर यानी कि करंट में ही क्यों देते हैं, ये चीज यहां पर पूछी गई है। तो केवीए रेटिंग क्या थी, वो भी वोल्टेज एम्पियर की रेटिंग थी, तो वो ट्रांसफार्मर की क्यों करते हैं वो हमें यहां पर बताना है। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि केवीए का मतलब क्या है, क्या ये बताती है ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ट्रांसफार्मर रेटिंग आर गिवन इन द वोल्ट एम्पियर बिकॉज दे इंडिकेट द टोटल अपेरेंट पावर। मतलब ये हमें इंडिकेट करती है टोटल अपेरेंट पावर ट्रांसफार्मर की क्या है, विच इंक्लूड बोथ रियल पावर एंड द रिएक्टिव पावर, जिसमें दोनों इंक्लूड रहती हैं, रियल पावर भी और रिएक्टिव पावर भी। आगे, दिस एंश्योर द ट्रांसफार्मर कैन हैंडल द टोटल लोड, यानी कि ये एंश्योर करती है कि ट्रांसफार्मर कितना टोटल लोड हैंडल कर सकता है जिसमें हमने पावर फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया है, रिगार्डलेस ऑफ द पावर फैक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में ही क्यों दी जाती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या ये केवीए जो रेटिंग होती है या फिर वोल्ट एम्पियर जो रेटिंग होती है वो ट्रांसफार्मर के बारे में क्या बताती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द स्लिप इन द इंडक्शन मोटर। इससे पहले हम स्लिप को डिफाइन कर चुके हैं, टॉर्क को डिफाइन कर चुके हैं, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है इंडक्शन मोटर के लिए। तो दोनों के रिलेशन की हम बात करें तो फॉर एन इंडक्शन मोटर अंडर हैवी लोड टॉर्क इंक्रीज विद स्लिप, स्लिप के साथ साथ टॉर्क भी इंक्रीज होता है जब हम हैवी लोड की बात करते हैं। टू द रिलेशनशिप इज जनरली नॉन लीनियर, जो रिलेशन होता है दोनों के बीच में वो लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर होता है, विद टॉर्क पीकिंग एट ए सर्टेन स्लिप बिफोर डिक्रीजिंग। मतलब कहने का ये है कि जो टॉर्क है वो पीक पर पहुंच जाता है किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू ऑफ द स्लिप और उसके बाद फिर डिक्रीज होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है वो लीनियर होता है, यानी कि ये एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन दिखा रही है वो नॉन लीनियर रिलेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं टॉर्क की, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस अपॉन आर एस प्लस आर आर की, जहां पर आर एस जो है वो आपका स्टार्टर रेजिस्टेंस होता है, आर आर जो होता है वो रोटर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि स्टार्टर का रेजिस्टेंस जो होता है, रोटर का रेजिस्टेंस जो होता है, वो उन दोनों का सम जो है रेजिस्टेंस का, उसको उससे हम डिवाइड कर देते हैं एस को, यानी कि स्लिप की वैल्यू को। ठीक है, क्लियर हुआ। स्लिप की वैल्यू बेसिकली हम परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं। आपने पीछे यहाँ पर देखा होगा कि एस की वैल्यू जब हमने यहाँ पर डिफाइन की थी परसेंटेज की फॉर्म में, तो वो क्या थी यहाँ पर, अगर आपको रिमाइंड है तो जल्दी से लिख दीजिए, अदरवाइज हमें पता है कि एस इक्वल्स टू होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, और हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा परसेंटेज में डिफाइन हो जाती है। ठीक है, जहां पर ये एन एस जो है वो सिंक्रोनियस स्पीड होती है आपकी इंडक्शन मोटर की, और एन आर जो होती है वो रोटर की स्पीड होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एस की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे जो कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर हम इस वैल्यू को अगर डिवाइड कर दें स्टार्टर रेजिस्टेंस प्लस रोटर रेजिस्टेंस से, तो इट गिव्स द टॉर्क। क्लियर हुआ, तो ये एक रिलेशन हो गया है टॉर्क और स्लिप के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनियस मोटर एंड एसिंक्रोनियस मोटर, यानी कि एसिंक्रोनियस मोटर और सिंक्रोनियस मोटर के बीच में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जनरली अगर आपने दोनों मोटर्स पढ़ी हैं तो आपको नॉर्मल 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस पता होगा। जो एसिंक्रोनियस मोटर होती है उसकी जो रोटेटिंग स्पीड होती है वो सिंक्रोनियस होती है स्टार्टर फील्ड के साथ, वहीं पर जो
सिंक्रोनियस मोटर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो एग्जैक्टली सिंक्रोनियस होती है विद स्टार्टर फील्ड, यानी कि एसिंक्रोनियस में वो सिंक्रोनियस नहीं होती है स्टार्टर फील्ड के साथ, और सिंक्रोनियस मोटर में वो सिंक्रोनियस होती है इसके साथ जो स्टार्टर फील्ड होता है, ठीक है। और जनरली एसिंक्रोनियस मोटर का ऑपरेशन होता क्या है कि जो स्पीड है वो, मतलब जो असिंक्रोनियस मोटर होती है वो सिंक्रोनियस मोटर की कंपैरिजन में कम स्पीड पर रोटेट करती है। तो अगर स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंक्रोनियस स्पीड जो मोटर की जो स्पीड होती है वो हाई होती है कंपेयर टू द असिंक्रोनियस मोटर। तो आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से, जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर देखिए, आपको अगर सिंक्रोनियस मोटर और असिंक्रोनियस मोटर के बारे में पता है तो आप किसी भी फैक्टर को लेकर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। तो सिंक्रोनियस मोटर क्या होती है, इसकी जो स्पीड होती है यानी कि रोटर स्पीड इज नॉट सिंक्रोनियस विद द स्टार्टर फील्ड, मतलब स्टार्टर फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होती है। और ऑपरेशन की बात करें तो इट रन्स एट ए स्पीड स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनियस स्पीड, मतलब ये जो है सिंक्रोनियस स्पीड के कंपैरिजन में स्लाइटली लो स्पीड के साथ रन करता है एसिंक्रोनियस मोटर। वहीं पर सिंक्रोनियस मोटर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्पीड जो होती है यानी कि रोटर स्पीड इज एग्जैक्टली सिंक्रोनियस विद द स्टार्टर फील्ड, ये एग्जैक्टली स्टार्टर फील्ड के साथ रोटर स्पीड इसकी सिंक्रोनाइज्ड होती है। और ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेट एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड डिटरमाइंड बाई द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये किस स्पीड से किस कांस्टेंट स्पीड से ऑपरेट कर रही है ये हम डिटरमाइन करते हैं सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने वहां पर दिया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो रहे तो और अदर पॉइंट्स किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। यहां पर पूछा गया है डिस्क्राइब KCL एंड KVL विद नेसेसरी सर्किट रिप्रेजेंटेशन, दोनों के नेसेसरी सर्किट रिप्रेजेंट करके KCL और KVL को एक्सप्लेन करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है सीरीज में उसमें पूछा गया था कि डिस्क्राइब कीजिए किरचॉफ्स लॉज, तो दोनों लॉज को हमने वहां पर डिफाइन किया था। यहां पर दोनों को सेपरेटली नाम के साथ डिस्क्राइब यहां पर कराया जा रहा है और विद द हेल्प ऑफ द सर्किट या विद द हेल्प ऑफ द जिसमें हम बता सकें कि KVL और KCL किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि जो सबमिशन ऑफ इनपुट करंट होता है किसी पॉइंट पर या किसी भी सर्किट में किसी भी लूप में तो वो डायरेक्टली इक्वल होता है उसमें से कितनी करंट निकल रही है उन सबके सम के, ठीक है। और वहीं पर वोल्टेज की बात करें तो किसी भी क्लोज लूप में कितने नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हों उनका सबका समेशन जो होता है जीरो के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको लिखें तो जनरली आप लिख सकते हैं द टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन और नोड इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, मतलब किसी भी एक जंक्शन या नोड पर कितनी करंट आ रही है उनका सम वो डायरेक्टली इक्वल होगा कितनी करंट वहां से निकल रही है उनके एल्जेब्रिक सम के। वहीं पर KVL की बात करें तो द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब सभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम यानी कि सभी वोल्टेजेस का जो सम होगा अराउंड एनी क्लोज लूप और ए सर्किट इज जीरो, यानी कि यहां पर जो लूप है वो क्लोज होना चाहिए, सर्किट जो है वो क्लोज होना चाहिए तभी KVL लॉज के अकॉर्डिंग सभी वोल्टेजेस का सम जो है वो जीरो के इक्वल होगा। अब सर्किट की रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ये आपका KCL की रिप्रेजेंटेशन है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर I1 करंट एंटर कर रही है, I2 करंट एंटर कर रही है और I6 करंट एंटर कर रही है, तो दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल टू हो जाएगा कौन कौन सी करंट निकल रही है, I3 निकल रहा है, I4 निकल रहा है और I5 निकल रहा है, यानी कि I3 प्लस I4 प्लस I5, तो इन सब के सम के इक्वल हो जाएगा आपका आउट करंट जो यहां से निकल रही है, क्लियर हुआ। तो ये आपका KCL हो जाता है। अगर मैं KVL की बात करूं तो KVL क्या है, देखिए ये एक क्लोज सर्किट है और इस क्लोज सर्किट में आपको V1 दिख रहा है, V2 वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, V3 वोल्टेज सोर्स दिख रहा है और V4 वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, तो इन सब का अगर मैं एल्जेब्रिक सम करता हूं तो इट गिव्स यू जीरो, तो ये आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि KVL और KCL क्या होता है, किस तरीके से इसके स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से और कैसे आप इसको सर्किट की हेल्प से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए एक्टिव एलिमेंट एंड द पैसिव एलिमेंट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा आपके पूछे जाते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि सेक्शन सी या बी में भी इनको पॉइंट वाइज करके एक्सप्लेन करा लेता है, लिखेगा डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, तो वहां पर 5-6 टर्म्स आपको दे देगा और आपको 1x1 करके उनको एक्सप्लेन करना होगा, तो ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से बने हुए हैं इस सीरीज में तो एक्टिव एलिमेंट आपको पता होगा वे एलिमेंट्स या वे कंपोनेंट्स जो सप्लाई करते हैं एनर्जी की सर्किट में वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, जैसे कि बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, है ना,
आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया। और वहीं पर पैसिव एलिमेंट की बात करें तो पैसिव एलिमेंट होते हैं आपके वो जो आपके सोर्स यानी कि जो एलिमेंट्स आपके सर्किट में पावर या एनर्जी ट्रांसमिट या सप्लाई नहीं करते हैं, वो केवल और केवल एनर्जी को स्टोर करते हैं या डिसिपेट करते हैं, वो आपके पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे एक्टिव पैसिव एलिमेंट को? तो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं या वो कंपोनेंट्स होते हैं दैट सप्लाई द एनर्जी टू द सर्किट, जो सर्किट को एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे कि बैटरीज हो गया या जनरेटर्स हो गया। वहीं पर हम पैसिव एलिमेंट्स की बात करें तो पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं या वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं करते हैं सर्किट में, बट स्टोर करते हैं एनर्जी और डिसिपेट करते हैं एनर्जी को, जैसे कि आपका रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। तो दीज आर द एलिमेंट्स जो आपकी एनर्जी को स्टोर या डिसिपेट करने का काम करते हैं। जैसे रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है। कैपेसिटर और इंडक्टर्स क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो ये आपके पैसिव एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे बैटरी है, बैटरी सर्किट में एनर्जी को क्या करती है, सप्लाई करती है। जनरेटर सर्किट में एनर्जी को सप्लाई करता है। तो दीज आर द एक्टिव एलिमेंट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ड्राइव दैट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय ए प्योर इंडक्टर इज जीरो। मतलब जो एवरेज पावर किसी प्योर इंडक्टर के द्वारा कंज्यूम की जा रही है वो क्या है, जीरो है। ये यहां पर ड्राइव करना है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले भी इंक्लूड कर चुके हैं, तो हम यहां पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। ओवरव्यू मैं आपको यहां पर बता देता हूं। हमने मान लिया कि एक अल्टरनेटिंग करंट है आई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमें पता है जो एनर्जी स्टोर होती है या कंज्यूम करता है आपका इंडक्टर वो क्या होती है, वो होती है वी इक्वल्स टू होता है एल डी आई अपॉन डी टी, यानी कि वोल्टेज जो होती है। तो अगर मैं यहां पर आई की करंट को, आई की वैल्यू को पुट कर देता हूं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो I not तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो L not I not हो गया। जब साइन ओमेगा टी का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो वहां से ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी यहां से मिल जाएगा। आगे हमें पता है पावर क्या होती है, V into I होता है। तो V की वैल्यू भी हमारे पास है, I की वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे, देन फाइनली वी गेट L I not का स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। यहां पर हम एक जो प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को लेकर, यानी कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू होता है हाफ ऑफ द साइन टू ओमेगा टी के। ठीक है, क्लियर हुआ? इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली वी गेट पावर हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर ओमेगा साइन टू ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका पीटी की वैल्यू हो जाती है, यानी कि पावर की वैल्यू हो जाती है। आगे देखते हैं, जो एवरेज पावर होती है ओवर द वन साइकिल इज द इंटीग्रल ऑफ द पीटी ओवर द पीरियड। जो साइकिल का पीरियड है उसके अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो इट गिव्स द एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी यहां पर, पी एवरेज इक्वल्स टू वन अपॉन टी, और जो इंटरवल है वो जीरो से टी है, और हमने किस क्या करना है, एवरेज पावर निकालनी है। तो पावर की वैल्यू यहां पर आ जाएगी इंटू डी टी। पीटी की वैल्यू आप पुट कर देंगे, ये आप यहां पर पुट कर दिया आपने पीटी की वैल्यू। तो अब आप यहां पर क्या देखते हैं, फॉर द साइन वेव जब एक कंप्लीट साइकिल की हम बात करते हैं तो इट गिव्स यू जीरो। तो दैट मीन्स Since sin omega t is an oscillating function with zero average value over the one period, मतलब जो एक पूरा one period है cycle का, उस पर अगर हम sin omega t की बात करते हैं तो oscillating function जो है वो zero average value आपको provide कराता है। That means इसकी value हो गई यहाँ पर zero, और जब ये value zero हो गई है तो p average जो है वो क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा। ठीक है, तो that means यहाँ पर आपका जो average power consume हो रही है किसमें, pure inductor में, वो क्या है, वो zero है। क्लियर हुआ? चूंकि यहाँ पर ड्राइव कराया गया था तो इस तरीके से आपको ड्राइव करके दिखाना है। एक क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली फॉर्म में पूछा गया कि एक्सप्लेन कीजिए कि जो प्योर इंडक्टर है उसमें एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है। वहां पर जीरो नहीं बोला, उसने कहा कि एक्सप्लेन कीजिए कितना पावर वो कंज्यूम करता है। तो वो फिर हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में दो टाइप से एक्सप्लेन किया था। आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब ड्राइव करने की बात आएगी तो इस तरीके से आपको ड्राइव करके दिखाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीसी मशीन्स। इस क्वेश्चन को भी हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं, यानी कि देखिए अब आपको एक चीज पता चल रही है यहाँ से कि क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो वही है, बस क्वेश्चन रिपीट हो होकर अलग अलग लैंग्वेज में या फिर उसी लैंग्वेज में रिपीट होकर पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हमने बताया था इसमें डीसी मशीन्स, हमने 5 से 6 टाइप्स की डीसी मशीन्स यहाँ पर डिस्कस की थी ब्रीफली। आपको 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 को एक्सप्लेन कर देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारे जहन में आता है डीसी शंट मोटर। वो क्या होता है, जब फील्ड वाइंडिंग जो है वो पैरेलल में होती है आर्मेचर के साथ तो वो डीसी शंट मोटर कहलाता है। शंट का मतलब होता है पैरेलल, और ये क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड कराती है अंडर द वेरिंग लोड। लोड वेरी भी कर रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, डीसी शंट मोटर आपको कांस्टेंट स्पीड ही प्रोवाइड कराएगा। फिर इसके बाद डीसी सीरीज मोटर आ जाती है जिसमें फील्ड वाइंडिंग जो है वो सीरीज में कनेक्ट रहती है आर्मेचर।
से हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है और स्पीड वेरीज करती है लोड के साथ, मतलब स्टार्टिंग में जैसे ही आपकी मोटर स्टार्ट होती है तो हाई टॉर्क यानी कि हाई टॉर्क वहां पर देखने को मिलता है और स्पीड जो है वो अकॉर्डिंग टू लोड जो है वो वेरी करती है। आगे बात करें, नेक्स्ट है डीसी कंपाउंड मोटर, जो कि कॉम्बिनेशन होता है संट मोटर एज वेल एज द सीरीज मोटर का। तो कंबाइंस संट एंड सीरीज वाइंडिंग जो आपको डीसी कंपाउंड मोटर देती है और ये क्या करती है, वर्सेटाइल परफॉर्मेंस, मतलब डीसी जो सीरीज और संट मोटर की परफॉर्मेंस थी उसका मिक्सअप आपको यहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर में देखने को मिल जाता है। तो ये तीन ही हैं आपको इनफ आप डीसी मशीन्स को टू मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन फर्दर अगर हम बात करें तो एक होती है डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, मतलब डीसी जो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है नाम से ही हमें पता चल रहा है इस मोटर को हम सेपरेटली एक्साइट करते हैं अलग से एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से। तो यानी कि फील्ड वाइंडिंग पावर्ड सेपरेटली, फील्ड वाइंडिंग्स को हम पावर जो प्रोवाइड कराते हैं वो सेपरेटली पावर प्रोवाइड कराते हैं, प्रिसाइज द कंट्रोल ओवर द स्पीड एंड टॉर्क, जिससे कि हमारी स्पीड जो है मोटर की या टॉर्क जो है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू द डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे इसमें इंक्लूड रहता है संट मोटर सीरीज, सॉरी मोटर नहीं, संट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड टाइप जनरेटर, है ना। तो डीसी जनरेटर क्या हो गया, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसको भी अगर आप फर्दर क्लासिफाई करें तो ये डीसी संट जनरेटर भी होता है, डीसी सीरीज जनरेटर भी होता है और डीसी कंपाउंड टाइप जनरेटर भी होता है। तो ये डीसी मशीन्स हो गई कुछ, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। टू मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दो डीसी मशीन्स आप डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स जो है उनको यहाँ पर पूछा गया है। ब्रीफली मतलब इसको लिटिल बिट आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में आप केबल्स के बारे में यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो टू मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको लिखना है और अपने एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केबल की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइप्स ऑफ केबल में सबसे पहले आपके पास पीवीसी केबल्स आ जाते हैं। पीवीसी केबल्स क्या होते हैं, इंसुलेटेड विद पॉली वाइनल क्लोराइड यूज्ड फॉर द लो वोल्टेज एप्लीकेशन, मतलब पीवीसी केबल्स वो होते हैं जो इंसुलेटेड होते हैं पॉली वाइनल क्लोराइड से और इनका यूज हम लो वोल्टेज एप्लीकेशन में करते हैं, जहां पर भी लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम इन केबल्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पर आगे बात करें XLPE केबल्स, ये केबल्स कौन से होते हैं जो कि इंसुलेटेड होते हैं विद क्रॉस लिंकेड पॉली एथिलाइन, यानी कि पॉली एथिलाइन की से ये क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं और सुटेबल होते हैं फॉर द हाई वोल्टेज एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस एप्लीकेशंस के लिए, मतलब इनका इन पर ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट भी नहीं होगा और हाई वोल्टेज के लिए ये सुटेबल रहते हैं। जहां पर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर आप XLPE केबल्स का यूज करते हैं जो इंसुलेटेड होते हैं पॉली एथिलाइन से। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्मोर्ड केबल्स भी आपको देखने को मिलते हैं टाइप्स ऑफ केबल्स में और वो कैसे होते हैं, हैव ए लेयर ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम फॉर द प्रोटेक्शन। यहाँ पर इन टाइप्स, ये जो टाइप्स के केबल होते हैं इसमें आपको एक स्टील या एल्यूमिनियम की लेयर भी प्रोवाइड कराई जाती है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, है ना। और ये यूज होते हैं इन द हार्श एनवायरमेंट, जहां पर एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा मतलब सही नहीं मानते हैं, वहां पर हम इन केबल्स का फॉर प्रोवाइड द एडिशनल प्रोटेक्शन वहां पर इन केबल्स का हम यूज करते हैं। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिफरेंट केबल्स, जो डिफरेंट टाइप के केबल्स हम अलग अलग जगह पर अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे आपको। तीन टाइप के ये केबल है, नॉर्मली टू मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, इससे ज्यादा आपको डिटेल में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट I equals to Im sin alpha in one complete cycle. One complete cycle में एक एवरेज वैल्यू sinusoidal वेव की करंट की फॉर्म में आपको यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है। तो जनरली हमें पता है करंट जो गिवन है वो है I equals to Im sin alpha. The average value over the one cycle. अगर हम साइन वेव के लिए बात करें तो फॉर ए साइन वेव फॉर्म द एवरेज वैल्यू ओवर ए वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, वो क्या होती है, वो जीरो होती है पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अगर हम sinusoidal वेव में एवरेज वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ्स कैंसिल आउट। आप देख रहे होंगे ये कंप्लीट साइकिल ये है, तो अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हैं, सेम हैं लेकिन नेगेटिव हैं, वो सॉरी अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने की वजह से ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो दैट मीन्स एवरेज वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी और हम उसको अगर फाइंड आउट करें तो वन अपॉन टी
इंटीग्रल फॉर पूरी कंप्लीट साइकिल 0 टू टी आई एम साइन अल्फा इंटू डी अल्फा इट बिकम्स टू द इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइंड आउट हो जाता है एवरेज वैल्यू किसी भी साइनसोइडल करंट के लिए या साइनसोइडल वेव के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। इससे पहले उसने इनको डिफाइन कराया था, एक्सप्लेन कराया था आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स को, लेकिन यहाँ पर उसने उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली है। आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन सा सोर्स होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होता है जहां पर आपने कोई भी लोड, या फिर हम ये कहें कि वहां पर डायरेक्टली आपको पूरा जो वोल्टेज है वो एज इट इज मिल जाएगा, वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा। तो दैट मीन्स अगर हम वेवफॉर्म की बात करें तो वी आई दैट मीन्स आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जो वोल्टेज होगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या है, फिक्स रहेगा। उसको कोई मतलब नहीं है करंट क्या है, क्या करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड आपको वोल्टेज सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, वो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है। वहीं पर आइडियल करंट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो आइडियल करंट सोर्स भी वही है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू होगी वो फिक्स रहेगी, चाहे वोल्टेज आपका किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी भी लेवल पर वैरी कर ले, ये इधर आपका आई है। ठीक है, तो इट बिकम्स द आइडियल करंट सोर्स जहां पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स्ड वैल्यू आपको मिलती है। तो दिस इज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स एज वेल एज दोनों करेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी और कुछ समझने में इसमें इतना ज्यादा खास नहीं है या इसमें आपको कुछ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको दोनों वी आई करेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर देनी है। एक नंबर की आपकी ये वी आई करेक्टरिस्टिक है, एक नंबर की आपकी वी आई करेक्टरिस्टिक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। इसमें और ज्यादा डिटेल में आप लिखेंगे तो 1 से 2 मार्क्स की जगह वो आपको 20 मार्क्स नहीं देंगे एक ही क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलना है। नंबर 41 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? ये पहले तो सर पेन चेंज कर लीजिए क्योंकि मैं लाइट कलर का हूं, आप डार्क कलर का पेन यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि व्हाई इज लीनियरिटी इंपॉर्टेंट इन द सर्किट। भाई सर्किट में लीनियरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछना चाह रहा है। तो लीनियरिटी सर्किट में जनरली क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि यहां पर जो आउटपुट होता है सर्किट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट के, और दैट मीन्स जिस तरीके से आपका इनपुट परफॉर्म करेगा उसी तरीके से आपका आउटपुट भी परफॉर्म करेगा। मीन्स दैट के एनालाइज करना या डिजाइन करना इजी हो जाएगा, बस यही आपका लीनियरिटी की इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसको आपको बताना है। इस तरीके से आप लिखेंगे, बहुत इजी तरीके से आप यहां पर लिख के आएंगे कि एनश्योर दैट सर्किट आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट एंड सिंप्लीफाई एनालाइसिस एंड डिजाइन। लीनियर सर्किट एग्जिबिट प्रिडिक्टेबल बिहेवियर एंड कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग द सुपरपोजिशन एंड अदर लीनियर प्रिंसिपल्स। फिर हम क्या करेंगे, जो लीनियर सर्किट है उसको उसके बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन या फिर अदर लीनियर प्रिंसिपल की हेल्प से। इस वजह से सर्किट में लीनियरिटी इंपॉर्टेंट होती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 41 भी आपको क्लियर हो गया होगा और हमने इसको भी टपका दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, वाह कितना शानदार क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी रिप्रेजेंट द एसी यानी कि अल्टरनेट करंट बाय द साइनोसोइडल वेवफॉर्म। यानी कि हम एसी करंट को जनरली साइनोसोइडल वेवफॉर्म से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ये बताइए आप। तो अगर हम इसकी बात करें क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रीजन है कि जो मोस्ट फंडामेंटल वेवफॉर्म है जिस जो एसी एनालिसिस होती है वो हम प्योर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ पीरियोडिक ऑस्किलेशन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप एनालाइज और कैलकुलेशन जो है एसी सर्किट की वो अच्छे से कर पाए। यही रीजन है कि एसी को हम साइनोसोइडल वेवफॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से आप लिखेंगे कि रीजन इज दैट कि द साइनोसोइडल वेवफॉर्म इज मोस्ट फंडामेंटल वेवफॉर्म इन एसी एनालिसिस रिप्रेजेंटिंग ए प्योर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ पीरियोडिक ऑस्किलेशंस। इट सिंप्लीफाइज द एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ एसी सर्किट्स एंड रियल वर्ल्ड एसी सिग्नल ऑफ्टन अप्रोक्सीमेट दिस फॉर्म। यही रीजन है जिस वजह से हम एसी को साइनोसोइडल वेवफॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 42 भी आपने टपका दिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कोई भी क्वेश्चन आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेगा अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है बच्चों कि वाई द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन
प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर मैं यहां पर बात करूं तो आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ देता हूं, क्योंकि हम इस सीरीज में ही इसको 3 से 4 बार इंक्लूड कर चुके हैं। तो आप इस पे दिमाग लगाइए और इसको करिए क्वेश्चन को। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनरली क्वेश्चन यहां पर चेंज है आंसर के अकॉर्डिंग, ऐसा ही है या नहीं है? वही आंसर है, हम लिख देते हैं यहां पर, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेस, यानी कि 90 डिग्रीज पर होती है, देन द एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो बिकॉज द पावर अल्टरनेट बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू कैंसलिंग आउट ओवर द टाइम सो दैट द प्योरली इंडक्टिव सर्किट पावर जो कंज्यूम करता है वो जीरो होती है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को आपको 2-3 तरीके से आपको प्रोवाइड कराया है इसका सॉल्यूशन, जिसमें 2-3 जो भी तरीके हमने आपको बताए सब में जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है उसकी पावर कंज्यूम्पशन जो होती है वो जीरो ही रहती है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 43 आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 44 क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लोड फॉर द निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इन द ट्रांसफॉर्मर। मतलब जो नेचर है लोड का निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन में ट्रांसफॉर्मर के, वो हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो जनरली अगर मैं बात करूं लोड की, जब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं, अगर वो लेस देन है यूनिटी से तो वो लैग करता है, और एक कैपेसिटिव लोड की अगर मैं बात करता हूं तो रिजल्ट करता है वो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन को। यही चीज आपको यहां पर बतानी है। तो अगर मैं यहां पर बताऊं आपको तो नेचर ऑफ द लोड फॉर द निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इन द ट्रांसफॉर्मर कि ए लोड विद ए पावर फैक्टर लेस देन यूनिटी, मतलब अगर पावर फैक्टर यूनिटी से लेस देन है तो उसका मतलब क्या होगा, लैगिंग कर रहा है वो, और एक कैपेसिटिव लोड रिजल्ट इन ए निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, और उस सिचुएशन में जो कैपेसिटिव लोड है वो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन को इंडिकेट करता है, वेयर सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द लोड करंट। तो तब क्या होता है कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा जब लोड करंट इंक्रीज होगा। ये नेचर होता है आपका निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का ट्रांसफॉर्मर के अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 भी आपने उड़ा दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। ये क्वेश्चन भी मुझे अगर ध्यान है तो 3 से 4 बार तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जो वेव फॉर्म है, फेजर डायग्राम है, वो आप बनाइए। उससे पहले आपको ट्रांसफार्मर का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा विदाउट लोड। तो जल्दी से तुरंत आप अपनी नोटबुक पे बहुत ही सुंदर तरीके से डायग्राम को बना दीजिए। इतने हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये बन गया आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायग्राम। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर है जिसमें आपका प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स N2 लिए हुए हैं। इन्हीं के हिसाब से आप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को क्लासीफाई करते हैं। हमने इनपुट पर V1 अप्लाई कर दिया, जो एनर्जी है वो यहाँ पर E1 है। वहीं पर अगर हम बात करें नो लोड की, जब लोड ही नहीं लगाया है तो करंट क्या जीरो फ्लो होगा, है ना, और स्टार्टिंग में यहाँ पर करंट I फ्लो हो रहा है। जब यहाँ से करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर एक फ्लक्स भी जनरेट हो जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर की वर्किंग का। जब लोड ही नहीं है तो एनर्जी इक्वल्स टू जो वोल्टेज रहेगा आउटपुट टर्मिनल पर वही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाता है विदाउट लोड ट्रांसफार्मर का डायग्राम। अब इसमें पूछा है फेजर डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, तो फेजर डायग्राम तो बहुत ही इजी है। फेजर डायग्राम में आपको कुछ भी नहीं करना है। फेजर डायग्राम में आप इधर ले लेंगे V1, इधर ले लेंगे आप E1, E2, ये आपका हो जाएगा phi, और इसमें आप करंट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से करके आएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो हमने इलेक्ट्रिकल के लिए सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने लगभग 4950 के अप्रॉक्स शायद हमको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं, तो इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आप इस पूरी सीरीज को अच्छे से ईमानदारी से देखेंगे, कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, आपको उसका एक अच्छा सा शानदार सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
46. क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ इन द डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उससे आप क्या समझते हैं, यहां पर यह बता दीजिए। तो जो ईएमएफ है डीसी जनरेटर में वो क्या है, वोल्टेज जो इंड्यूस्ड हो रही है आर्मेचर वाइंडिंग में ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आर्मेचर, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन, तो वही आपका ईएमएफ होता है जो आपने मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ी होंगी इंजीनियरिंग फिजिक्स में, मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर 3, वही आपका क्या होता है, फैराडेज लॉ होता है और वही बताता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होता है। तो लिखेंगे किस तरीके से आप, द जनरेटेड ईएमएफ इन द डीसी जनरेटर इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर बाइंडिंग, मतलब आर्मेचर बाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है बाय द रोटेशन ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के रोटेशन की वजह से विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अकॉर्डिंग टू द किस लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही आपका ईएमएफ कहलाता है जो कि डीसी जनरेटर में जनरेट हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 46 भी आपका टपक चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि वाई सिंक्रोनियस मोटर इज डबली एक्साइटेड, जो सिंक्रोनियस मोटर्स होती हैं उनको डबली एक्साइट क्यों बनाया जाता है, तो इसका रीजन आप हमें बता दीजिए, हम रीजन आपको बता देंगे। उसके लिए आप सबसे पहले रुकिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, समझ सकें, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उनको समस्या का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो सिंक्रोनियस मोटर्स होती हैं उनको डबली एक्साइट हम इसलिए बनाते हैं कि जो एक्सटर्नल डीसी सप्लाई है जो हम रोटर वाइंडिंग को दे रहे हैं और जो एसी सप्लाई है जो स्टार्टर वाइंडिंग को दे रहे हैं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहे, ठीक है, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बस इसी वजह से हम डबली एक्साइट कर देते हैं। तो लिखेंगे आप किस तरीके से, रीजन इज दैट ए सिंक्रोनियस मोटर इज डबली एक्साइटेड because it requires both an external DC supply for the rotor winding, यानी कि जो field winding है, and an AC supply for the starter winding, यानी कि जिसको हम armature winding बोल देते हैं, to maintain, इन दोनों के बीच में maintain करना synchronization को with a rotating magnetic field, rotating magnetic field के साथ इन दोनों जो field winding और armature winding का जो rotation है उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रखना विद इन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसी वजह से हम डबली एक्साइट करते हैं अपनी सिंक्रोनियस मोटर को। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47 ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये वैसे मजाक की तरीके से मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन तो आपको यहां से बहुत ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट इस सीरीज से देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, सॉल्यूशन पहले आ गया, क्वेश्चन बाद में आएगा, चलिए कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इससे पहले हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पॉइंट्स हमने बहुत सारे आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है जब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हम करते हैं, चाहे घर पे, ऑफिस में या फिर अपनी इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले इनकरेक्ट वायरिंग आपको देखने को मिल जाती है, जिस वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फॉल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, लीड्स टू शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की समस्या देखने को मिलती है, इनप्रॉपर फंक्शनिंग आपकी जो भी वर्क कर रहे हैं अप्लायंस उनमें आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पर आगे बात करें इनसफिशियंट ग्राउंडिंग, सफिशियंट ग्राउंडिंग नहीं कर पाते हैं जिस वजह से फ्यूचर में फॉल्ट्स की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, कॉज सेफ्टी हैजार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिसिटी को इंस्टॉल करने में, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन भी आपका सुहा हो जाता है। अब हम बात करते हैं 49 तो अब आएगा बच्चों। 49 क्या कह रहा है कि राइट एनी टू बैटरी करेक्टरिस्टिक, ऑल्सो डिफाइन एनी वन, कोई भी दो बैटरी की करेक्टरिस्टिक यहां पर पूछी गई है और उनको डिफाइन कराया गया है।
तो अगर मैं बैटरी की करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो एक तो कैपेसिटी होती है उसकी और एक डिस्चार्ज रेट होता है कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है और वो डिस्चार्ज किस रेट से हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक की तो सबसे पहले कैपेसिटी आ जाता है, द टोटल चार्ज ए बैटरी कैन डिलीवर मेजर्ड इन द एम्पियर आवर्स। आपने देखा होगा जो आपकी बैटरी की कैपेसिटी होती है वो एम्पियर आवर्स में होती है ना, तो वो आपकी एक मेन करेक्टरिस्टिक हो जाती है किसी भी बैटरी की। चाहे आप फोन की बैटरी देख लीजिए, चाहे आप अपने घरों में जो बैटरी लगाते हैं उसमें देख लीजिए, गाड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं, बाइक में जो बैटरी यूज करते हैं, उनकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक हो गया कैपेसिटी। और दूसरी देखें तो डिस्चार्ज रेट, किस रेट के साथ वो डिस्चार्ज होती है सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी, वो सॉरी करेक्टरिस्टिक हो जाती है बैटरी की, डिस्चार्ज रेट, द रेट एट विच ए बैटरी कैन सप्लाई द करंट, किस रेट पर बैटरी सप्लाई करती है करंट को वो डिस्चार्ज रेट कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी एक को भी आपको डिफाइन करना है, चलिए कैपेसिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं। कैपेसिटी इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ए बैटरी कैन स्टोर एंड डिलीवर, यानी कि कैपेसिटी जो है वो इंडिकेट करती है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना बैटरी स्टोर कर रही है और डिलीवर कर रही है। फॉर एग्जांपल ए बैटरी विद ए कैपेसिटी ऑफ 10 एम्पियर आवर्स कैन थ्योरेटिकली डिलीवर 1 एम्पियर फॉर द 10 आवर्स। मतलब इसका क्या हो गया यहां पर बच्चों कि जो वो 10 आवर्स के लिए 1 एम्पियर क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। ठीक है, ये आपका हो जाता है कैपेसिटी के बारे में। इज दैट क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 49 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, अरे ये तो एरोप्लेन बन के उड़ गया क्वेश्चन नंबर 49। ओहो, इसलिए गया है वो क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। आपको ये सीरीज कैसी लगी इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। कहीं ना कहीं ये उम्मीद श्रृंखला आपके लिए एक उम्मीद जरूर लेकर आई होगी, जो इलेक्ट्रिकल में आपको समस्याएं आ रही थी वो कहीं ना कहीं आपकी कुछ परसेंट सॉल्व हो जाएंगी इसको देखते हुए। यहां से आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से इजी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की इस पूरी सीरीज में। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। कोई भी समस्या अगर आपको लगती है, किसी भी क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है या आंसर अगर गलत लगा है आपको, तो प्लीज आप उसको जरूर मुझे पर्सनली हमारे हेल्पलाइन नंबर 8273708952 पर मैसेज करके बता दें, जिससे कि मैं उस इंफॉर्मेशन को अपने टेलीग्राम चैनल जहां पर बच्चे जुड़े हुए हैं वहां डिलीवर कर सकूं। ठीक है, कहीं पे और किसी सब्जेक्ट मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर लिखकर वहां पर मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया था इलेक्ट्रिकल के लिए, बच्चे डिमांड कर रहे थे क्योंकि और सब्जेक्ट की हम श्रृंखला लेकर आ चुके थे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे तक हमें अपनी रीच पहुँचानी है और अपने सबसे महत्वपूर्ण जो है वैल्यूएबल फीडबैक वो अवश्य आप जरूर दिया करें हर एक पर्टिकुलर वीडियो के रेस्पेक्ट में। कोई भी वीडियो आप अगर हमारे चैनल से देख रहे हैं, कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर लिखें कि हम और किस तरीके से बेहतर आप लोगों के लिए मैटर को लेकर आ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दें, और मैं तो नहीं मानता वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो आप आंख मीच के लाइक वाले बटन को तो प्रेस कर ही दीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। आई होप ये आपको आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस देगी और बहुत बेहतर आप करके आएंगे अपने इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।